ओके गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स अरे कुछ तो बोलो लेट्स स्टार्ट विथ कल क्या क्या पढ़ा था हमने राइट वी हैड गॉन थ्रू द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इज टू मैन्युफैक्चर गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेस ये सैक्रीफाइसेस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था द थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस करेक्ट उनको हमने दो दो पार्ट में डिवाइड किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें से डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस बिकम्स प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकम्स ओवर फिर हमने ओवर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था याद आ रहा है कौन कौन से तीन फैक्ट्री ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर और ये तीन ओवरेज और तीन डायरेक्ट कॉस्ट को मिला के हमने एक कॉस्ट शीट बनाई थी रिकॉल करते शीट पहले डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इसको मिला के क्या मिलेगी प्राइम कॉस्ट फिर क्या ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करना है भूल गया सब कुछ यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है कल का बाहर उसमें फैक्ट्री ओवरेज ऐड करेंगे क्या मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे सेल्स सेल्स या सेलिंग प्राइस एक यूनिट की रही तो सेलिंग प्राइस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहा तो सेल्स रेवेन्यू या सेल वैल्यू राइट दोस्तों भूल के काम चलेगा ऐसा लगता है आपको आपको रोज रिवीजन करना पड़ेगा तो मैं अभी करा रहा हूं यदि मैं ये रोज कराते रहा तो फिर आगे का कब पढ़ाऊंगा मुझे आगे बढ़ना है कि यही करते रहना है आगे बढ़ना है तो आपको रिविजन करते रहना पड़ेगा यह सब्जेक्ट मैंने बताया ना थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन लॉजिकल भी है फिर हमने मेथड्स ऑफ पहले कॉस्टिंग के डेफिनेशन पढ़ी कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट टेक्निक एंड प्रोसीजर ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट निकालने का तरीका उसे हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा नाम देखे सर पहली पहली मुलाकात की मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वो अपना वॉल्यूम नंबर टू है और फिर हमने डिस्कस किया शायद टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग उसमें मेनली तीन टेक्निक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट कंट्रोल और बजेटरी कंट्रोल टेक्निक फॉर ओवरऑल मैनेजेरियल कंट्रोल ये तीन मेन टेक्निक्स है बाकी फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से और भी लिखे हुए और कॉन्सेप्ट यहां तक शायद हम कल गए थे अब हमको आगे चलना है right? राइट गो टू द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग एक्चुअली कॉस्टिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कॉस्टिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग पहले अकाउंटिंग इज अ ब्रांच डेवलप हुई फिर उसमें से तीन ब्रांचेस बाहर आ गई एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको आप सिंपल अकाउंटिंग बोलते हैं ना वो क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अनदर ब्रांच इज कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड ब्रांच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग सो थ्री ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप फाउंडेशन से फाइनल तक पढ़ेंगे फिर कॉस्ट अकाउंटिंग जो इंटरमीडिएट और फाइनल में पढ़ेंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी अभी इंटरमीडिएट में डाल दिया पहले सिर्फ वो फाइनल में हुआ करता था तो इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी क्या हुआ टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजेटरी कंट्रोल का ही नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये अलग ब्रांच क्यों निकल के वट वॉज द नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग टू बी डेवलप्ड एज अ सेपरेट ब्रांच फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वट वॉज द नीड तो वो देखते हैं ये आपके नोट्स में भी बना हुआ डोंट वरी मैंने एक एग्जाम्पल के लिए तीन प्रोडक्ट्स लिए हैं प्रोडक्ट ए बी सी और एक टोटल कॉलम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बराबर सेल्स रेवेन्यू पूरे कंपनी का है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पूरे ऑर्गेनाइजेशन का यानी तीनों प्रोडक्ट मिला के माइनस उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट वो है टू लैख टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सेल्स में से टू लाख कॉस्ट गई तो प्रॉफिट कितना बचेगा फिफ्टी थाउजेंड आपके पास कैलकुलेटर तो होगा शायद ला रहे कै? क्या कैलकुलेटर पेन पेंसिल सब लगने वाले मुझे ये प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल के देते प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं ना आप उसको इतना तो अकाउंट से पढ़े होंगे शायद प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कितना आया ट्वेंटी परसेंट राइट तो परसेंटेज प्रॉफिट टू सेल्स इज ट्वेंटी परसेंट आता है क्या कैलकुलेट करते आता है क्या क्योंकि इतना तो आप मैथमेटिक्स फाउंडेशन में क्या वो ही होगा भी कैलकुलेटर पर ओरली नहीं बोल रहा हूं मैं hmm. कैलकुलेटर का बहुत यूज करना है हाँ कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और कैलकुलेशन वाला काम आप करके देंगे मुझे विदेल्प ऑफ yeah. कैलकुलेटर वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी क्या कैलकुलेशन करना क्यों करना वो मैं बताऊंगा और एक्चुअल फिगर निकाल के देना वो आपका काम ठीक है तो ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट इज नॉट बैड इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन सेल्स ये जो डेटा दिख रहा है आपको टोटल कॉलम में ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मिलता है बराबर है क्या अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे ऑर्गेनाइजेशन की फिगर मिलती है ना आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स खर्चा डेबिट साइड सेल्स क्रेडिट साइड और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ये फिगर मिलती है लेकिन मुझे यदि ऐसा डेटा चाहिए कि प्रोडक्ट ए पे कितना प्रॉफिट हुआ बी पे कितना हुआ और सी पे कितना क्योंकि हमारी कि कंपनी तीन प्रोडक्ट्स बनाती है उसको मिला के इतना सेल हुआ है उसको मिला के इतना प्रॉफिट हुआ है तो अकाउंट्स में कोई तरीका है क्या कि आप ए प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट अलग निकाल के दे सकते हैं बी का अलग और सी का अलग आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई तरीका है क्या तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना जो जिंदा है हाँ तो कुछ हाँ ना पता नहीं सर आप जो बोलो हम सुन लेंगे ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि हमको कुछ मत पूछो राइट हमारे इसको तकलीफ मत दो आप ही बोलो क्वेश्चन आप ही दो आंसर हम ऐसा आपको देखते रहेंगे सुनते रहेंगे एग्जाम में भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे एग्जाम हॉल में राइट ये सब्जेक्ट सोचने वाला है इसको चलाओ ठीक है तो ये डेटा प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी का मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता आपने कभी क्या कैलकुलेट किया क्या, 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 क्या प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट उधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि मैं जो मुद्दे की बात कह रहा हूं वो ये है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग गेव बर्थ टू कॉस्ट अकाउंटिंग भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ डेटा नहीं मिलता था तो कुछ जरूरत पड़ी और वो जरूरत की वजह से क्या निकल के आया कॉस्ट अकाउंटिंग और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ डेटा नहीं मिलता था जिसकी वजह से इमर्ज हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कल परपज देखें ना हमने डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए वो जो टाइप का डेटा लगता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी नहीं मिलता तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स डेवलप हुई कि भाई मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है जो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी नहीं मिलती और उसके लिए फिर थर्ड ब्रांच डेवलप हुई जिसका नाम था या जिसका नाम है मैनेजमेंट

अब प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट भी मिलेगी एक्चुअली वही तो मेन पर्पज है हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना ये तो मेन पर्पज है कॉस्टिंग का तो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट ऐसी आई जब मैंने कैलकुलेट की यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग वन लाख थर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट अब प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा क्या प्रोडक्ट ए में प्रॉफिट है लॉस है ना क्योंकि कॉस्ट सेल से ज्यादा है तो लॉस को मैंने ब्रैकेट में लिखा है माइनस फाइव थाउजेंड यह ध्यान रखना ये जनरली ऐसे ही करता हूं मैं देखो इधर मैंने लॉस को ब्रैकेट में लिखा है क्या पर्टिकुलर कॉलम में और प्रॉफिट को पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव यानी ब्रैकेट जनरली नेगेटिव फिगर को भाई ब्रैकेट में लिखने की मेरी आदत है और वो उससे गड़बड़ नहीं होती है तो लॉस इज फाइव थाउजेंड बी में तो प्रॉफिट है शायद ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सी में थर्टी थाउजेंड अब ये हर एक का प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकाल सकते क्या परसेंटेज टू सेल्स लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकल सकता है कैलकुलेटर पे है यानी मुझे पता चले कि आपको परसेंटेज निकालना आता है लगने वाला है बहुत जगह अच्छा नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना दोस्तों से पूछ लेना कि कैलकुलेटर पे कैसे निकालते परसेंटेज आई थिंक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड ऐसा करते हैं ना आप तो ये लॉस हुआ फोर परसेंट बी में प्रॉफिट हुआ 33.33 .33 या 33 1 थर्ड परसेंट भी बोलते हैं उसको और सी में प्रॉफिट हुआ 60 ये आपको कहां से पता चला कॉस्ट अकाउंटिंग से कि प्रोडक्ट इज़ लॉस मेकिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग इट मींस कॉस्ट अकाउंटिंग विल गिव यू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड इट विल आइडेंटिफाई द एरियांसी एंड इन एफिशियंसी आपको इससे क्या पता चलेगा कि प्रोडक्ट ए तो लॉस मेकिंग है बराबर है और प्रोडक्ट बी और सी प्रॉफिट में है तो प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन ही बंद कर दो ना दोस्तों अब जब वो लॉस में चल रही है एक्टिविटी तो क्यों करते उसको लेकिन ये डेटा किसने दिया आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ने तो आप उससे डिसीजन ले सकते हैं कि लेट अस स्टॉप प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए तो मैं ए को ड्रॉप कर रहा हूं सिर्फ बी और सी को कंटिन्यू करूंगा ए को ड्रॉप किया तो शायद ऐसे हो जाएगा क्या बी और सी बचे अब बी और सी का सेल्स ले रहा हूं मैं टोटल बी और सी का मिला के सेल्स हो जाएगा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बीओ सी की मिला के कॉस्ट सेवेंटी थाउजेंड और प्रॉफिट फिफ्टी फाइव थाउजेंड आपका प्रॉफिट बढ़ गया दोस्तों और प्रॉफिट का परसेंटेज देखेंगे तो तो बहुत अच्छे से बढ़ गया प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स पहले ट्वेंटी परसेंट था, था दोस्तों पूरे ऑर्गेनाइजेशन का अभी कितना हो गया वो फोर्टी फोर परसेंट प्रॉफिट हो गया यानी ट्वेंटी परसेंट से फोर्टी फोर परसेंट हो गया लेकिन ये डेटा आपको कॉस्टिंग ने दिया तो आपको पता चला कि कौन सा प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है कौन सा प्रॉफिट में चल रहा है इसके लिए प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको वो कॉस्टिंग में सीखना है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग तो ये फिर से जो मैं बोल चुका आपको लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग गेव बर्थ टू इमरजेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और एक सेंटेंस में एक्स्ट्रा भी बोल चुका आपको ये लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग गेव बर्थ टू मैनेजमेंट

चैप्टर में आप देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनका कंपैरिजन ये सब आपको यहाँ प्रिंटेड मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट में वो कहीं थेरी क्वेश्चन आ गया तो लिखने के काम में आएगा पॉइंट्स वाइज दिया हुआ है सब या एमसी में कहीं पूछ लिया तो काम में आएगा वो सब ऑलरेडी यहाँ पर डिटेल में प्रिंट कर दिया डोंट वरी चलो दोस्तों आगे चलते हैं वेरियस कॉस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम कॉस्ट को अलग अलग एंगल से अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे डिवाइड करके देखेंगे आपने एलिमेंट वाइज डिवीजन ऑफ कॉस्ट तो देख लिया है। एलिमेंट वाइज मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस उसको हम बोलते हैं एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसी कॉस्ट को और अलग अलग एंगल से देखेंगे सेम कॉस्ट हाँ, कॉस्ट सेम अलग अलग तरीके से देखेंगे और इसलिए मैंने बोला था आज थोड़ी सी नोट्स जिनके पास नहीं और जिनके पास है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे पेज वन पॉइंट थ्री पे मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया हुआ है वहां पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी देखो मैं यहां भी बता देता हूं शायद मेरे पास इधर है तो 1.3 पेज पे ये 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 बात कर रहा हूं ये वाला डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने कॉस्ट को बीच में रखा है बराबर अब हम डिस्कस करना चालू करेंगे नोट्स में सब प्रिंटेड है और हरेक का एक्सप्लेनेशन भी प्रिंटेड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सब प्रिंटेड है अगले पेज पे मैं यहां से ट्वेल्व ओ क्लॉक से चालू करूंगा यानी ये टाइम बेस्ड कॉज को डिस्कस करेंगे फिर क्लॉकवाइज चलूंगा क्लॉकवाइज वाइज यानी फिर कंट्रोलेबिलिटी बेस्ड नॉर्मलिटी बेस्ड एसोसिएशन बेस्ड एंड सो ऑन ऐसा हम चक्कर मारेंगे ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगी इसी कॉज को कैसे अलग अलग एंगल से देखा जाता है ठीक है ये पेज जिनके पास है वो ओपन करके रखना और उसी पेज के आगे उसका एक्सप्लेनेशन भी है मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं एक्सप्लेनेशन तो चलते हैं लेटस मूव क्लॉकवाइज क्लॉक से चालू करके तो पहले मैं जा रहा हूं टाइम बेस्ड कॉस्ट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दोस्तों हम टाइम को तीन पार्ट में डिवाइड करते दिया दो तो, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बस उसी टाइप से कॉस्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम तो उसका नाम हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री पास्ट कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड दोस्तों सीए फाउंडेशन को पास करने के लिए कुछ खर्चा लगा वो लग चुका इट इज पास्ट कॉस्ट आपकी सीए बनने की जो कॉस्ट है कुछ कॉस्ट तो लग रही है सीए बनने के लिए तो उसमें से जो लग चुकी फाउंडेशन की उसको हम बुलाएंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट करंट कॉस्ट दैट इज कॉस्ट इनकर्ड एट प्रेजेंट आपकी करंट कॉस्ट कौन सी आएगी सीए इंटरमीडिएट की बराबर जो भी लग रही है चालू है वो और बजटेड कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट बजट इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर ना हम बजट पास का बनाते हैं फ्यूचर का बनाते हैं गवर्नमेंट जो बजट बनाती है यूनियन बजट वो अगले साल के लिए आने वाले साल के लिए बनाती है जो चला गया उसका बनाती कभी भी बजट फ्यूचर का बनता है तो बजेटेड कॉस्ट बुलाओ या फ्यूचर कॉस्ट बुलाओ दोनों का मतलब एक ही है आपके लिए फ्यूचर में और कौन सी कॉस्ट लगने वाली है सीए फाइनल की और ये तीनों कॉस्ट को जोड़ दे आप पास प्रेजेंट फ्यूचर आपको मिलेगी, आ, तो आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ऐसी कॉस्ट को डिवाइड किया है जो कॉस्ट लगने वाली है फ्यूचर वो ये है सो so, कॉस्ट विच इज येट टू बी इनकर्ड और इट इज ऑल्सो नोन एज एस्टिमेटेड कॉस्ट मैं आज ही आपको बोलूं कि पूरे सीए बनने की कॉस्ट निकालो आज तो आपको क्या करना पड़ेगा फाइनल की कॉस्ट एस्टिमेट करनी पड़ेगी कितनी लगेगी और वो ऐड करनी पड़ेगी तब आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी अब बिकमिंग सीए आज की तारीख में वो क्या हो गई

जैसे टैक्सेशन हो उसकी प्रोविजन जो गवर्नमेंट ने बनाई है लॉ में वो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी उसमें आपका लॉजिक नहीं काम करेगा वो ऐसा है ऐसे ही है। तो देर आर अदर सब्जेक्ट वेर यू हैव टू यूज मोर ऑफ योर मेमरी स्पेस कॉस्टिंग इज अ सब्जेक्ट वेर यू हैव टू यूज लेस ऑफ मेमरी स्पेस एंड मोर ऑफ लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर में एक सीपीयू रहता है पता है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंसान का सीपीयू इधर है ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और वो सीपीयू के अंदर एलयू रहता है आलू उसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट तो अपने ब्रेन में जो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है ना उसका काम कॉस्टिंग में ज्यादा है वैसे तो मैं मजाक में कहता हूं दोस्तों हंसते-हंसते अटेंड करना है बैच क्या समझे मजे तो लेते आना चाहिए हाँ, तुम आपको और मुझे भी मजा आए ऐसे कितना बड़ा बोझा सर पे उठा के और बैठे यहां ऐसे ऐसे नहीं बैठना तो मजा नहीं आएगा मेरे को भी नहीं आएगा आपको भी नहीं आएगा पढ़ना तो है लेकिन मजा लेके पढ़ना है थोड़ा स्माइलिंग फेस से पढ़ना ऐसा बोझा लेके बहुत बर्डन सम ऐसा मत पढ़ो पढ़ाई होगी नहीं उससे पास नहीं होंगे सीएम बर्डन में दब जाएंगे मर जाएंगे हाँ भाग जाएंगे राइट हंसते हंसते पढ़ो ठीक है तो मैं कुछ ए के बारे में बात करता एरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वो ज्यादा चलाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में और मैं मजाक में कहता हूं तीन चीजों का बहुत यूज करना पड़ता है कॉस्टिंग में यह बात भी मैं बहुत बार बोलूंगा यू हैव टू यूज थ्री थिंग्स लिबरली इन कॉस्टिंग एक ब्रेन दूसरा कैलकुलेटर तीसरा स्टेशनरी तीनों का बहुत यूज करना पड़ता है ब्रेन कैलकुलेटर और स्टेशनरी इसकी बार बार याद दिलाते रहूंगा क्योंकि कभी कभी कुछ आंसर लिखने के लिए ज्वाइंट पेज ऐसे डबल पेज लेने पड़ते हैं बहुत कंजूसी करते हैं स्टूडेंट लोग एक ही पेज पे कैसे तो भी अकोमोडेट करते होगा नहीं आंसर तो यूज द स्टेशनरी आल्सो लिबरली व्हेन रिक्वायर्ड यूज ऑफ कैलकुलेटर लिबरली इज रिक्वायर्ड और ब्रेन का तो डेली यूज है ये घर पे छोड़ के नहीं आना तो पता चला बॉडी यहां आ गई माइंड वहां रह गया राइट तो दिल दिमाग शरीर सब तीनों साथ में लेके आना दिल दिमाग और शरीर सब साथ में लेके आएंगे तो मजा आएगा चलो आगे चलते हैं. ये टाइम वेस्ड हो गया हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं अब कंट्रोलेबिलिटी बेस्ड नाम के अंदर ही मीनिंग है कंट्रोलेबिलिटी बेस्ड से हम कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट पढ़ेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट और दूसरी नॉन कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल दोनों का मतलब एक ही हुआ कंट्रोलेबिलिटी बेस्ड अब नाम के अंदर मीनिंग है कंट्रोलेबल कॉस्ट यानी जो कॉस्ट आपके कंट्रोल में है वहां तो लिखा ही है और नोट्स में भी लिखा है कॉस्ट विच इज इन आर कंट्रोल इट इज ऑल्सो नोन एज अवॉइडेबल कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट दो नए नाम आ गए इंग्लिश के और कुछ नहीं तीनों का मतलब एक ही है कंट्रोलेबल अवॉइडेबल और डिस्क्रिशनरी तीनों का मतलब एक ही है पहले समझ लेते कुछ खर्चे आपके कंट्रोल में रहते और कुछ खर्चे आपके कंट्रोल के बाहर रहते एग्जाम्पल ले लेते समझ में आ जाएगा नॉन कंट्रोलेबल भी समझ में आ जाएगा आपका सीए बनने का एग्जाम्पल लेते सीए बनते समय जो खर्चा लग रहा है इसमें जो इंस्टीट्यूट की फीस देनी है आपको रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं कि वो भी उनको बोला है हम पहले डेमो लेंगे इंस्टीट्यूट का फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे ऐसा तो नहीं बोला ना इंस्टीट्यूट नहीं देती है डेमो राइट इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप स्टूडेंट बने उनके इंटरमीडिएट के वो फीस पे आपका कोई कंट्रोल है आपने इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए देखो हम दस दोस्त लोग हैं साथ में ज्वाइन कर रहे हैं बोलो कितना डिस्काउंट बोला कि नहीं ऐसा इंस्टीट्यूट को बोल के तो देखो या आप आज रजिस्ट्रेशन कर दो फिर फीस देंगे हम धीरे धीरे हमारी जब मर्जी होंगी तो देंगे थोड़े दिन बाद राइट और इंस्टीट्यूट ने बोला दस परसेंट डिस्काउंट तो आपने बोलेगा नहीं नहीं नहीं, पच्चीस परसेंट बोलो ऐसा किया क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या कुछ यानी वो कॉस्ट आपके कंट्रोल में है क्या यदि आपको सी करना है तो इंस्टीट्यूट की फीस जो है प्रिस्क्राइब वो आपको देना ही है तो वो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट हुई फिर इंस्टीट्यूट की फीस क्या हुई नॉन कंट्रोलेबल हुई अरे आपके कंट्रोल में है नहीं है वो आप अवॉइड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की नहीं यानी क्या हुई वो अनअवॉयडेबल एक्चुअली मैं दूसरे कॉस्ट की बात कर रहा हूं वो नीचे वाले की कौन सी नॉन कंट्रोलेबल दोनों का अपोजिट ही मीनिंग है ना तो इंस्टीट्यूट की फीस आपके लिए नॉन कंट्रोलेबल या अनअवॉडेबल इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशन का मतलब चॉइस। आपके जो हाथ में चीज है जो आप चाहो तो करो नहीं तो मत करो उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी और यदि आपके हाथ में नहीं है तो उसको बोलते हैं हम नॉन डिस्क्रिशनरी तो इंस्टीट्यूट की फीस इज नॉन डिस्क्रिशनरी अनअवॉइडेबल राइट अनअवॉइडेबल यानी नॉन कंट्रोलेबल और ये जो आप क्लास में बैठे हो ये ज्वाइन करना कोई कंपल्सरी है आप घर पे भी पढ़ सकते थे या मुझसे नहीं किसी और से भी पढ़ सकते थे राइट ऑनलाइन भी पढ़ सकते थे जो भी बहुत सारे ऑप्शन में राइट और सेल्फ स्टडी भी कर सकते थे इसका मतलब ये जो खर्चा है ट्यूशन फीस ऑफ क्लासेस ये आपके हाथ में है खर्चा करूं या ना करूं सीए बनने की कॉस्ट की बात कर रहे हैं लेकिन ये वाली कॉस्ट आपके हाथ में है आपके हाथ में यानी डिस्क्रिशनरी है, है। यानी आप चाहे तो अवॉइड कर सकते यानी वो कॉस्ट अवॉइडेबल है यानी वो कॉस्ट आपके कंट्रोल में है ये सिर्फ समझाने के लिए था एग्जाम्पल अब ऐसे बाकी सभी जब हम कॉस्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं पर कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन लगता है वैसे बता दूं ये कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जो है अभी वाला ये हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लगता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक डिजाइन फॉर कॉस्ट कंट्रोल ऐसा कल बोला था मैंने तो आप कॉस्ट कंट्रोल उसी को करेंगे ना जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है जो कंट्रोलेबल है ही नहीं उसको कहां से कंट्रोल करेंगे आप यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस कॉस्ट को लगाई जाती है कंट्रोलेबल कॉस्ट को नॉन कंट्रोलेबल को लगा कि कोई फायदा ही नहीं कोई फायदा ही नहीं क्योंकि आपके कंट्रोल में वैसे भी वो है नहीं राइट right. तो ये काम इसका काम कहां पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये ध्यान रहे पहला चैप्टर सब चैप्टर को कनेक्ट करता है थेरी जरूर है कुछ लोगों ने पूछा था तो सर थेरी है तो मैं क्या करूं लेकिन ये थेरी कनेक्ट पूरे चैप्टर को होगी ना अभी हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक को कनेक्ट करेगा क्या कर सकते हैं तो ये सभी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हम थियोरोटिकल पढ़ रहे हैं इसका कनेक्शन अलग अलग जगह है और अलग अलग जगह उसका यूज भी है अगली पढ़ते हैं नॉर्मलिटी बेस्ड यानी नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल और एबनॉर्मल ऐसा पढ़ेंगे तो नॉर्मल कॉस्ट एक और एबनॉर्मल कॉस्ट दूसरा पहले यहां से पढ़ लेते हैं नॉर्मल कॉस्ट दैट इज द कॉस्ट विच इज इंकर्ड ऑन डे टू डे बेसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट कैन बी कॉल्ड एज रिकरिंग कॉस्ट जो रोज लगती है बार बार लगती है यानी कोई भी बिजनेस करने के लिए जो खर्चा लगता ही है उस बिजनेस को करने के लिए वो खर्चा लगने ही वाला है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मल कॉस्ट भाई सी बनने के लिए जो जो खर्चा लगने वाला है क्या क्या लगने वाला है इंस्टीट्यूट की फीस ट्यूशन फीस जो नॉर्मली लगता है भले वो आप करो मत करो आपकी मर्जी है फिर बाहर गांव से आए तो रहने का खाने का खर्चा स्टेशनरी का खर्चा राइट ये सब क्या है नॉर्मल कॉस्ट बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंट फिर एग्जाम फीस एग्जामिनेशन की फीस वगैरह ये सब नॉर्मल कॉस्ट है जो ये काम करने के लिए लगती है तो बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा लगता ही है या लगते ही रहता है उसको हम बुलाते हैं नॉर्मल कॉस्ट फिर एब नॉर्मल का क्या मतलब हुआ अपोजिट जो खर्चा लगना नहीं चाहिए था एक्सपेक्टेड नहीं था उस बिजनेस के लिए फिर भी लग गया नहीं लगना चाहिए था फिर भी लग, लग गया बिजनेस के लिए और यहां क्लासरूम में एग्जाम्पल के लिए मैं सीए की बात करूंगा और कुछ नहीं सीए कोर्स की। वेरी गुड कॉस्ट विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इनकर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कुछ एग्जाम्पल दिए राइट फिर एग्जाम्पल ढेर सारे हो सकते हैं तो सिर्फ समझने के लिए जैसे लॉस ड्यू टू फ्लड लॉस ड्यू टू फायर नेचुरल कलामिटीज अर्थक्वेक एक्सीडेंट या एक दोस्त ने एग्जाम्पल दिया कि गाड़ी नो एंट्री से घुसा दिए यहां आते समय जल्दी जल्दी आने के लिए और मामू ने पकड़ लिया पुलिस वाले ने और पाँच सौ रुपए का चलन थमा दिया ये सीए बनने के लिए नहीं लगनी चाहिए थी ऑर्डनरीली तो वो कास्ट नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है राइट right? अब आपने वो रिकॉर्ड रखना चालू किया कि सीए बनने के लिए खर्चा कितना कितना लग रहा है कहीं तो भी रिकॉर्ड रखो ना तो पेरेंट्स को बताने के लिए रहेगा सीए बनने के लिए ये कॉस्ट लगी फाउंडेशन की लिस्ट बना के रखो इंटरमीडिएट की भी लग रही है वो ऐड करते चलो वो फाइनल में जो लगने वाली है वो भी ऐड कर लेना अभी एस्टिमेट कर सकते तो आपको सीए बनने की कॉस्ट पता चलेगी एनी anyway, वे अब दो दोस्त बाहर गांव से यहां है पढ़ने के लिए उसमें से एक दोस्त थोड़ा सा रिच फादर का बेटा है उसके पास मोटरसाइकिल वगैरह बड़ी स्टाइलिश और वो छोटे सिटी से आए वैसे पुणे के रास्ते भी उसको जरा पता होने बाकी है और मोटरसाइकिल थी उसका दूसरा दोस्त भी पीछे बैठा हुआ है और ये दोनों दोस्त जो यहाँ हैं उनके पेरेंट्स भी वहाँ दोस्त हैं उनके गांव में वो भी फ्रेंड है ये भी दोनों फ्रेंड हैं उनके पेरेंट्स इनका हिसाब रख रहे हैं सीए बनने के लिए खर्चा कितना लगता है मैं ये समझा रहा हूँ इन डायरेक्टली आपको कौन सा नॉर्मल अब नॉर्मल के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ तो दोनों का रिकॉर्ड है सी बनने के लिए खर्चा कितना लगा उसमें से वो ए जो है रिच वाला मोटरसाइकिल पे है और ये तिलक रोड जो यहाँ का पता चल गया ना तिलक रोड नाम तो पुणे में तिलक रोड वैसे बहुत ट्रैफिक जाम रहती है वहाँ टू वे है राइट और कभी भी जाओ ट्रैफिक मिलेगी थोड़ा जोश जोश में आ गया वो लाल कलर की जो एक गाड़ी रहती ना सिटी बस वो सिटी बस उसको साइड नहीं दे रही थी और इसको जरा जल्दी थी निकलने की तो इसने गुस्से गुस्से में सिटी बस को उड़ा दिया अब मजाक है भाई समझ लो ना इसने गुस्से में जवानी के जोश में किसको उड़ा दिया सिटी बस को उड़ा दिया किसने मोटरसाइकिल ने अब बस का तो ज्यादा नुकसान हुआ नहीं इसका तो लंबा चौड़ा नुकसान हो गया गाड़ी का भी मेंटेनेंस और खुद का भी रिपेस मेंटेनेंस और बी ने थोड़ा सा इरादा समझ लिया था कि आज गुस्से में दिख रहा है ये और ये गाड़ी ठोकने वाला है तो जरा दो सेकंड पहले उसके बी के सेंस में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ करेगा और दोस्त दो सेकंड कूदा था बाजू में। तो बी बच गया और का खर्चा चालू। खुद का रिप्लेस और गाड़ी का रिप्लेस में दोनों को मिला के करीबन पांच लाख रुपए और लग गए गाड़ी का और खुद का ए का वो ए ने सीए बनने की जो कॉस्ट थी ना एक डायरी में लिख रहा था ना मेरे बोलने पे उसमें ऐड कर दिया पांच लाख रुपए क्योंकि सीए क्लास को जाते समय हुआ ये एक्सीडेंट अब आप बोले दो की कॉस्ट जब आप कंपेयर करेंगे ए को कितना खर्चा लगा और बी को तो ए की कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट एक्स्ट्रा गई ये पांच लाख फाइव लाख तो ए की सीए बनने की कॉस्ट ज्यादा दिखाई देगी और बी की कम और इनके पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं बोलेंगे यार ए को खर्चा ज्यादा लगा सीए बनने में सही है क्या बोले कंपेरिजन ये दोनों का कॉस्ट कंपेरिजन सही हो रहा है क्या ए और बी का ये कंपैरिजन गलत हो गया क्यों गलत हो गया क्योंकि एक ही कॉस्ट में कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट ऐड हो गई आप अकाउंट्स में तो पढ़े हैं नॉर्मल एबनॉर्मल पहली बार थोड़ी पढ़ रहे वही कॉस्टिंग की भी सेम कॉन्सेप्ट तो से कंपेरिजन गॉट डिस्टर्ब और ये मैंने स्टोरी इसलिए बताई ऐसा ना हो किसी के साथ तो ज्यादा अच्छा है पुणे के ट्रैफिक में संभल के चलना और गाड़ी सही जगह पे लगाना यहां पुलिस उठा के ले जाती है फटाफट पेनल्टी लगती रहेगी तो अब नॉर्मल कॉस्ट लगती रहेगी एनी anyway, वे काम की बात कहते हैं कॉस्टिंग में भी एक बेसिक रूल है ध्यान रहे मैं इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा कराऊँ ये ऑल चैप्टर्स में लगने वाला रूल है नॉर्मल कॉस्ट जो लगनी चाहिए थी और लग रही है वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होती है जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो नॉर्मल कॉस्ट लेंगे लेंगे यानी कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट में एबनॉर्मल कॉस्ट लगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट एबनॉर्मल लॉसेस आर नेवर एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस रूल विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑल द चैप्टर्स एंड व्हाई नॉट क्यों नहीं करते ऐड क्योंकि उससे कॉस्ट कंपैरिजन डिस्टर्ब होगा कॉस्ट कंपैरिजन कंपेरेबल होना चाहिए दोस्तों जो द, जो कॉस्ट लगनी चाहिए वही ऐड करो तो कंपैरिजन होगा आपने जो नहीं लगनी चाहिए थी वो भी ऐड कर डाली उसमें एबनॉर्मल कॉस्ट को भी ऐड कर दिया फिर एबनॉर्मल कॉस्ट में भी जो नुकसान तो हुआ जाएगा कहाँ तो जैसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना अकाउंट्स में वैसा कॉस्टिंग में बनता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे डेबिट और क्रेडिट वो भी हम पढ़ने वाले एक चैप्टर है आपका कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग नाम का अकाउंटिंग का भी एक चैप्टर है आपको जिसमें कॉस्टिंग वाला अकाउंटिंग पढ़ेंगे वही डेबिट और क्रेडिट सेम प्रिंसिपल पे principle पे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे सिर्फ कॉस्टिंग वाले अकाउंट पढ़ेंगे तो एबनॉर्मल कॉस्ट इज ऑलवेज डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट को डेबिट करते प्रोडक्ट की कॉस्ट में एड नहीं करते जो भी कॉस्ट डायरेक्टली पीएनएल को चली जाती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करती जनरली हम क्या करते हैं जनरली जो नॉर्मल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगी और फिर प्रॉफिट कैसे निकलता है वो प्रोडक्ट का सेल माइनस वो प्रोडक्ट पे लगी हुई टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स इससे हम प्रॉफिट निकालते हैं नॉर्मली इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं प्रोडक्ट से जो सेल हुआ वो और उस प्रोडक्ट को जो लगी कॉस्ट वो माइनस करके जो प्रॉफिट मिला उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं अब ये जो कॉस्ट है मैंने जो माइनस की सेल्स में से उस कॉस्ट में एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं है क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट एड नहीं करना है प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो ये जो प्रॉफिट मिलेगा ये बिफोर एबनॉर्मल है ये जो प्रॉफिट मिला इसलिए इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ये प्रॉफिट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके प्रोडक्ट ए ने जो प्रॉफिट कमाया वो भी पीएनएल को जाएगा बी ने कमाया वो भी पीएनएल को जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल को सी ने कमाया वो भी जाएगा और वो जो एबनॉर्मल खर्चे लगे थे वो तो प्रोडक्ट को चार्ज किए ही नहीं वो बच गए वो डायरेक्टली पीएनएल को जाएंगे तो जो खर्चा डायरेक्टली पीएनएल को डेबिट होता है डायरेक्टली पीएनएल को डेबिट होने से प्रॉफिट कम होगा लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है ना नेट प्रॉफिट वो कम होगा प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट में आपने अब कॉस्ट ली नहीं ध्यान रहे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालेंगे जॉब वाइज कॉन्ट्रैक्ट वाइज बोलो प्रोसेस वाइज बोलो जितना कलम ने पढ़ा बैच वाइज बोलो जितने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पड़े ना वो सभी मेथड में जो भी आप प्रॉफिट निकालेंगे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस का वो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा और अब नॉर्मल कॉस्ट सब कहा जाएगी पीएनएल अकाउंट में और फिर पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आएगा वो अब नॉर्मल कॉस्ट माइनस होके आएगा लेकिन वो इंडिविजुअल प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा तो ये परमानेंट ध्यान रखना ऑल नॉर्मल कॉस्ट आर चार्ज टू दी प्रोडक्ट

प्रॉफिट एंड लॉस है कॉस्टिंग वाला लेकिन ऐसे कोई रीजन हमने देखे एक्सीडेंट फाइंस पेनल्टीज जो लगना नहीं चाहिए थी, लेकिन लग अब एसोसिएशन का मतलब कॉस्ट का किससे ताल्लुकात है एसोसिएशन है हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी आपका आपस में कुछ लेना देना है तो हम कॉस्ट को एसोसिएट करेंगे और एसोसिएशन बेस्ड दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे एक पीरियड कॉस्ट नाम के अंदर ही मीनिंग है समझाता हूं और दूसरी है प्रोडक्ट कॉस्ट टाइम का कॉस्ट का एसोसिएशन पीरियड से पीरियड का मतलब टाइम टाइम पीरियड बोलते हैं ना तो पीरियड का मतलब यहां हुआ टाइम यानी जो खर्चा जो कॉस्ट टाइम के हिसाब से चलती है जो कॉस्ट टाइम के हिसाब से चलती है उसको हम बोलाते पीरियड कॉस्ट एग्जाम्पल समझो एक क्लासरूम का रेंट है रुपीज टू लैख पर मंथ तो ये जो टू लैख रेंट है ये कॉस्ट है मेरे लिए ये किस पर बेस्ड है टाइम पर एक महीने के लिए क्लासरूम किराए पे लिया तो टू लैख दो महीने के लिए क्लासरूम किराए पे लिया तो फोर लैख तीन महीने के लिए क्लासरूम किराए पे लिया तो सिक्स लैख किस पर डिपेंडेंट है टाइम पर टाइम पीरियड पर यानी पीरियड के हिसाब से ये कॉस्ट कम ज्यादा हो रही है इसलिए इसका नाम क्या है पीरियड कॉस्ट देखो क्या लिखा है वहां द कॉस्ट विच इज अटैच टू टाइम एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम लाइक फॉर एग्जाम्पल रेंट ये आपको पता है ना ईजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल हाइ रेंट सैलरी एटसेट्रा दीज आर ऑल्सो नोन एज फिक्सड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट को क्या नाम से बुलाते हैं फिक्सड कॉस्ट फिक्सड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट इज वन इन द सेम सिर्फ़ एक चैप्टर में पीरियड कॉस्ट किसी और चैप्टर में फिक्स्ड कॉस्ट बस मल्टीपल नाम पहले समझ लेना, है दूसरी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट एसोसिएशन बेस्ड है अब कॉस्ट का एसोसिएशन पहले किससे देखा हमने टाइम पीरियड से अब प्रोडक्ट से देखेंगे प्रोडक्शन से प्रोडक्शन बढ़ा कॉस्ट बढ़ी प्रोडक्शन कम हुआ कॉस्ट कम हुई जितने प्रोडक्ट्स जितने यूनिट्स आप बनाएंगे उस पर वो खर्चा डिपेंडेंट है इसलिए उसको कॉस्ट को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट बराबर वेरिएबल कॉस्ट अरे वो वेरिएबल है प्रोडक्शन के हिसाब से कम ज्यादा हो रही वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम प्रोडक्ट कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम पीरियड कॉस्ट शायद लिखा होगा कॉस्ट विच इज अटैच टू द प्रोडक्ट एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज योर प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऑल डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट इज़ कल ही पढ़ा हमने प्रोडक्ट कॉस्ट है ही और ओवर में से भी कौन से ले लो वेरिएबल राइट सो आर ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट इसका और एक नाम इंस्टीट्यूट ने रखा है इंजीनियर्ड कॉस्ट एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंजीनियर्ड कॉस्ट वो यही थी तो इंजीनियर्ड कॉस्ट

और इेलेवेंट कॉस्ट यानी कॉस्ट विच इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट विच इज इरेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग आपको कोई डिसीजन लेना है आपको कोई डिसीजन लेना है उस डिसीजन के लिए कुछ खर्चे लग रहे हैं लेकिन वो खर्चे में से कुछ रेलेवेंट हैं और कुछ इरेवेंट है और ये रेलेवेंट इलेवेंट क्लासिफिकेशन काम में आता है फॉर डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में वो खर्चे काम में आते हैं उसका क्लासिफिकेशन काम में आता है कि वो रेलेवेंट है खर्चा या इरेवेंट है वह सिंपल लॉजिक से ध्यान रखना रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग और इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग सिंपल हिंदी में समझाओ तो कोई डिसीजन लेने की वजह से वो कॉस्ट लग रही है डिसीजन लेने की वजह से वो कॉस्ट लग रही है यानी नहीं लेते तो नहीं लगती तो ऐसी जो भी कॉस्ट है वो रेलेवेंट है क्योंकि डिसीजन लोगे तो लगेगी नहीं लोगे तो नहीं लगेगी तो वो उस डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है और भी एग्जांपल समझेंगे ना और आप कोई डिसीजन लो या मत लो वो खर्चा लगने ही वाला है तो क्या हो गई इलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग हो गई दोस्तों अरे आप डिसीजन लो या मत लो खर्चा लगने वाला है तो वो डिसीजन मेकिंग पे उसका डिपेंडेंस है ही नहीं कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिसीजन तो वो क्या हो गई इरेवेंट और कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन डिसीजन तो क्या हो गई रेलिवेंट एक काम कर दो पहले एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ फिर ये भी पढ़ लेना तो घंटी बजना चालू हो जाएगी राइट लाइट गिरेगा ना यहाँ लाइट आना चाहिए रोज यहाँ से जाते समय ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा उजाला ज़्यादा हुआ एनलाइटनमेंट हो के बाहर निकलना है ये हॉल में आते समय क्लासरूम में आते समय और यहाँ से जाते समय इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए उजाले में तो मेरे सामने बैठ के फ़ायदा और नहीं तो आए थे उतना भी नहीं बचा अब तो राइट तो फिर क्या मतलब आया बैठ के तो टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसे भी वेस्ट हो गए ओके okay. अब आपको सीए तो बनना ही है इसमें तो कोई डाउट है क्या नहीं और आप बनेंगे इसमें भी कोई डाउट नहीं है अब सीए बनते समय आपको ये क्लासेस अटेंड करने का डिसीजन लेना है ये तो चॉइस है आपकी सीए बनना है ये तो आपने डिसीजन ले लिया अब क्लास ज्वाइन करना है क्या नहीं ये चॉइस है अब क्लास ज्वाइन करने का डिसीजन आपने लिया कि नहीं कर लेते तो ये क्लास ज्वाइन करने की वजह से क्या क्या खर्चे और लगे क्लास ज्वाइन करने की वजह से यानी नहीं करते तो नहीं लगते करने की वजह से जो खर्चे लगे वो उस क्लास ज्वाइन करने के डिसीजन के लिए रेलेवेंट है जैसे ट्यूशन फीस तो क्लास ज्वाइन किया तो ही लगी ना तो रेलेवेंट हुई ना डिसीजन मेकिंग में क्योंकि वो डिसीजन लेना है ज्वाइन करने का तो खर्चा लगेगा तो वो इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी का खर्चा डिसीजन मेकिंग की वजह से रेलिवेंट है, है? यहां आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रहने खाने का खर्चा जो बाहर से आए उनके लिए ये सब क्या हो गई रेलिवेंट कॉस्ट क्योंकि आपके डिसीजन पे वो कॉस्ट डिपेंडेंट है इंस्टीट्यूट की फीस ये क्लास ज्वाइन करते तो भी लगी नहीं करते तो भी लगी तो ये क्लास ज्वाइन करने के डिसीजन से उस कॉस्ट का क्या लेना देना है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सीए बनने के लिए लगी या नहीं लगी सीए बनने के लिए खर्चा लगा मैं अभी कौन से डिसीजन की बात कर रहा क्लास ज्वाइन करू या नहीं इस डिसीजन की बात कर रहा हूं इस डिसीजन के लिए वो, वो खर्चे का क्या करेंगे आप इंस्टीट्यूट की फीस तो वो इेलिवेंट है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लगी नहीं कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ इस डिसीजन के लिए वो इेलिवेंट है क्योंकि आप कुछ भी कर लो डिसीजन लो या मत लो क्लास ज्वाइन करने का वो तो लगना ही था तो उस कॉस्ट को इसमें क्यों घुसा रहे आप इस डिसीजन में क्यों घुसा रहे ये डिसीजन के लिए वो कॉस्ट रेलिवेंट है कुछ फर्क समझे आपको और एक एग्जाम्पल एक मशीन हमने परचेस कर लिया टेन लाख ,00 रुपीज की मशीन और उस पर उसकी इकोनॉमिक लाइफ टेन इयर्स है तो हम उसको एनुअल डिप्रीसिएशन चार्ज करते और सैलरी वैल्यू जीरो तो टेन लाख डिवाइडेड बाय टेन इयर्स स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन वन लाख पर है नीसिएशन इज अ कॉस्ट फॉर यूजिंग द मशीन अब इस मशीन पे मैं ऑलरेडी दो प्रोडक्ट बना रहा हूं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी तो इस मशीन का जो डिप्रिसिएशन है दोनों में बांटूंगा मैं किसमें ए और बी में ये बांटना हमको कहां सीखना है ओवर में कॉमन खर्चा बांटना अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एक डेफिनेशन में था कॉस्टिंग के डेफिनेशन में अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर तो कॉमन खर्चा दोनों में बटेगा वो अकाउंट वो पड़ेंगे हम अकाउंटिंग तो प्रोडक्ट ए और बी बना रहा हूं मैं अब मेरे दिमाग में एक डिसीजन चल रहा है एक प्रोडक्ट सी भी मैं बना सकता हूं उसी मशीन पे यानी वो मशीन पे ये प्रोडक्ट सी बन सकता है और मैं सोच भी रहा हूं मशीन की कैपेसिटी भी खाली है टाइम है ए और बी बनाने के बाद भी मशीन में टाइम बचता है तो मैं सोच रहा हूं सी बनाऊ या नहीं इसका डिसीजन मुझे लेना है अब ये जो डिसीजन लेना है मुझे शुड आई मैन्युफैक्चर सी और नॉट इस डिसीजन के लिए डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन रेलिवेंट है या नहीं आपके ध्यान में एक क्वेश्चन समझ में आया क्या मैं उस मशीन पर ऑलरेडी दो प्रोडक्ट बना रहा हूं ए बी अब मैं सोच रहा हूं मशीन में जगह है कैपेसिटी बची है सी भी चाहे तो बन सकता है डेप्रिसिएशन तो वन लाख पर एनम लगने वाला है बराबर सोचा आपने मेरा डिप्रीशन बढ़ा क्या सी बनाने से हा अकाउंटिंग में तीनों में बटेगा वो अकाउंटिंग हुआ मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं अरे भाई सी मैन्युफैक्चर करना चालू किया तो कुछ एक्स्ट्रा डिप्रीसिएशन लगा क्या मैं सी नहीं बनाता तो भी डिप्रिसिएशन वन लाख रहता पर एनम और सी बनाऊंगा तो भी पर एनम एम डिप्रिसिएशन वन लाख ही रहेगा तो सी बनाने की वजह से खर्चा लगा क्या नहीं, नहीं लगा हां सी को उसका शेयर देना पड़ेगा वो अकाउंटिंग हुआ अकाउंटिंग इज डिफरेंट डिसीजन मेकिंग इज डिफरेंट तो सी की वजह से वो खर्चा नहीं लगा तो सी बनाने का जो डिसीजन है ना उसमें मैं डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि इट इज इेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग लेकिन यदि प्रोडक्ट सी के लिए एक मशीन खरीदनी पड़ती मुझे अलग से यानी सी बनाऊ तो खरीदनी पड़ेगी नहीं बनाऊ तो नहीं करनी पड़ी तो फिर डेप्रिसिएशन रेलेवेंट हुआ कुछ फर्क समझ में आ रहा है आपको सी के डिसीजन की वजह से लग रहा होगा खर्चा तो रेलेवेंट है लेकिन सी बनाओ या नहीं बनाऊ खर्चा तो लगने वाला है डेप्रिसिएशन लगने वाला है फैक्ट्री का रेंट लगने वाला है तो फिर ये खर्चे प्रोडक्ट सी के डिसीजन के लिए इेलेवेंट हो गए इसका काम पड़ने वाला है इसको और डिस्कशन में आने वाला ही से टॉपिक में मार्जिनल कॉस्टिंग विच इज अ डिसीजन मेकिंग टेक्निक अब यहां क्या लिखा है देख लेते रेलिवेंट कॉस्ट दॉ विच आर रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इनडायरेक्टली हमने जो अवॉयडेबल कॉस्ट पढ़ी थी ना और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट पढ़ी थी ये अवॉयडेबल कॉस्ट भी रेलिवेंट है और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट भी रेलिवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग हा अभी तो पढ़ा हमने अवॉइडेबल कॉस्ट डिस्क्रिशनरी कॉस्ट अरे भाई डिसीजन लोगे तो कॉस्ट लगेगी नहीं लोगे तो नहीं लगेगी अवॉर्डेबल है इसलिए वो डिसीजन मेकिंग के लिए है रेलिवेंट है और जो अन अवॉर्डेबल कॉस्ट है डिसीजन लो या मत लो लगने वाली है फैक्ट्री का रेंट लगने वाला है चाहे आप प्रोडक्ट सी बनाओ या मत बनाओ डेप्रिसिएशन जितना लगना था लगने वाला यानी वो अन है अब प्रोडक्ट सी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है यानी प्रोडक्ट सी के डिसीजन के लिए वो क्या है यानी अनअवॉइडेबल कॉस्ट री कॉस्ट आर जनरली इलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग वो लिखा ही होगा आगे इलेवेंट कॉस्ट में कॉस्ट विच आर इेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग दीज आर ऑल्सो नोन एज अनफॉर्डेबल कॉस्ट और नॉन डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट सो दे आर जनरली ट्रीटेड एज इलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग अगली मुलाकात इसकी मार्जिन कॉस्टिंग चैप्टर में नेचर बेस्ड नेचर बेस कॉस्ट कॉस्ट का नेचर यानी बिहेवियर इसको बिहेवियरल कॉस्ट भी बोलते हैं नेचर बेस कॉस्ट या बिहेवियर बेस्ड कॉस्ट हम बोलते हैं ना किसी का नेचर है स्वभाव ऐसा बोलते हैं ना ये व्यक्ति का नेचर ऐसा है ये गुस्से वाला है ये बहुत शांत है ये बहुत ही प्रेमण है यानी बहुत ही क्या जो भी बोल सकते आप बहुत दोस्ताना है इससे जल्दी कर सकते तो ऐसे कॉस्ट का बिहेवियर या कॉस्ट का नेचर किसका नेचर देख रहे हैं कॉस्ट का प्रोडक्शन तो बहुत सिंपल है ये डिस्कशन हो चुका है फिर से आने वाला है प्रोडक्शन के साथ उसका बिहेवियर कैसे है अरे एक वेरिएबल कॉस्ट उसका नेचर या बिहेवियर कैसे है प्रोडक्शन बढ़ा खर्चा बढ़ा प्रोडक्शन कम खर्चा कम तो उसका बिहेवियर वेरिएबल है वो तो कम ज्यादा होती रहती कॉस्ट इसलिए उसको क्या बुलाते हैं वेरिएबल कॉस्ट इसका वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम हमने क्या दिया था प्रोडक्ट कॉस्ट अरे सेम चीज को ही अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं हम सेम कॉस्ट को ही अलग अलग एंगल से पढ़ रहे हैं और दूसरा फिक्सड कॉस्ट इसका बिहेवियर या नेचर क्या है वो फिक्स्ड ही रहती है आप प्रोडक्शन करो मत करो कम करो ज्यादा करो वो खर्चा फिक्स्ड है उसका नेचर कॉस्ट का ये बिहेवियर है फिक्स्ड वो फिक्स्ड ही रहने ली अपनी जगह पे रहने ली तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई अब एक तीसरी भी है उसको सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड बोलते यानी पार्टली वेरिएबल फिक्स तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स भी बुला सकते दिस इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स ना तो पूरी वेरिएबल है ना पूरी फिक्स ऐसा कैसे एग्जाम्पल देख ले आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखना कभी घर पे है जो आता है वो ध्यान से ध्यान से देखना बंद कर दो बेटा चालू ट बोन में डाल दो किसी के भी मोबाइल चालू हो तो, तो बजनी नहीं चाहिए मोबाइल का ही आवाज था कि हमारे कोई इंस्ट्रूमेंट का था नहीं सभी के लिए रिक्वेस्ट है रोज दोस्तों यहां से आते समय अंदर उसका गला घोट दिया करो किसका मोबाइल मैं हूं ना एक जन बोलने वाला काफी है उसका गला घोट के अंदर रख देने का उसको बैग में पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे था दोस्तों ध्यान से देखना इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट रेंट की रहती है मीटर रेंट आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं भी किए घर को ताला लगा के चले भी गए तो भी कुछ बिल आएगा ही इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा जो भी तीन सौ चार सौ पांच सौ रुपए जो भी उसका है वो आएगा ही भले इलेक्ट्रिसिटी यूज मत करो तो वो एक अमाउंट होगी फिक्स्ड वो लगने वाली और बाकी जो ऊपर वाला अमाउंट है वो आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उस पर डिपेंडेंट है जितना यूज करेंगे तो लगेगा नहीं यूज करेंगे तो नहीं लगेगा यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल एस एच के दो पार्ट हो जाएंगे उसमें कहा एक पार्ट फिक्स्ड एक पार्ट वेरिएबल तो उसमें फिक्स्ड एलिमेंट भी है और वेरिएबल एलिमेंट भी है इसलिए उसको हम बुलाएंगे या तो सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल दोनों का मतलब एक ही है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके एक सेल्स मैनेजर है आपकी कंपनी में एक सेल्स मैनेजर है उसकी सैलरी आपने डिसाइड की है फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ प्लस वन परसेंट ऑफ सेल्स समझा ये फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ जो दे रहे वो फिक्स्ड है, और बाकी जो वन परसेंट ऑफ सेल वो सेल हुआ तो लगेगा सेल ज्यादा हुआ तो ज्यादा कमीशन मिलेगा उसको उसको मिलेगा कमीशन अपने लिए वो कॉस्ट है कंपनी के लिए कम हुआ सेल तो कॉस्ट कम लगेगी तो एक पार्ट वेरिएबल है एक पार्ट फिक्स्ड है यानी पूरे कॉस्ट को हम बुलाएंगे सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है मार्जिनल कॉस्टिंग पहली पहली मुलाकात करा के दे रहा हूँ सबसे जब हम उधर जाएंगे उनके घरों में जिनसे अभी पहली मुलाकात हो रही तब ये याद दिलवाऊंगा कि ऐसा पढ़ा था चैप्टर वन में और रिवीजन भी करेंगे तब तो, डोंट वरी मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में फिर से रेलिवेंट इलेवेंट ये सब पढ़ना ही पड़ेगा डोंट वरी फंक्शन बेस्ड फंक्शन का मतलब जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम करते वो अलग अलग टाइप ऑफ वर्क को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करते तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सेल करते गुड्स का सेल्स इज अ फंक्शन एक फाइनेंस मैनेजर रहता है जो फाइनेंस हैंडल करता है तो फाइनेंस इज अ फंक्शन मटेरियल परचेस करता है परचेस मैनेजर तो परचेस इज फंक्शन कोई एक व्यक्ति एच वगैरह का, का काम, है, resource, का काम को ट्रेन करने का क्लासिफिकेशन तो करते हैं तो उसको बोलते फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड सब खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सब खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा हूं तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं इसको सेलिंग कॉस्ट सेल्स से रिलेटेड खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये तो कल ही पढ़ा था याद है सेलिंग कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट द डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है वो भी एक फंक्शन है जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज हुई उनको रिसर्च करना पड़ता है रिसर्च करेंगे तो कोई मेडिसिन नई लेके आएंगे आप मार्केट में तो रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी खर्चा होता है फार्मास्यूटिकल uh, कंपनी और और भी जो दूसरी कंपनी जिनको रिसर्च करना पड़ता है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज अभी जैसे नया चीज़ मार्केट में आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किसी ने रिसर्च करके मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इस पर किसी ने रिसर्च करके वो नई टेक्नोलॉजी लेके आया दोस्तों मोबाइल भी हमारे जमाने में जब मोबाइल आए थे वो की पैड वाले थे वो वो बटन दबाने वाले ब्लैक एंड वाइट आपने तो देखी भी नहीं वो हमने यूज किए बटन वाले अभी वो हो गए स्मार्ट राइट फोन हो गए स्मार्ट और अपने को कर दिया स्लेव राइट अपने को बना दिया गुलाम वो ज्यादा स्मार्ट बन गया एनीवे तो कोई टेक्नोलॉजी आई इस पर किसी ने रिसर्च किया किसी ने सोचा कि ये काम को और आसान कैसे किया जा सकता है राइट right? इसमें और कैसे फीचर्स एड किए जा सकते हैं रिसर्च चल रहा है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में तो उस पर जो खर्चा होता उसको है उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी सबकी अकाउंटिंग भी बाद में पढ़ना है अपने को कन्वर्जन कॉस्ट ये वर्ड देखना लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरेज टुगेदर इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट इसको जरा समझना वर्ड कहीं कहीं लगेगा कन्वर्जन कॉस्ट पहली बात इसको याद रखने का सिंपल तरीका आपके पास रॉ मटेरियल ऑलरेडी है यानी खरीदा नहीं है, है आपके पास और इस रॉ मटेरियल को मुझे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है रॉ मटेरियल ऑलरेडी है इसको में कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में तो सिर्फ कन्वर्जन के लिए रॉ मटेरियल ऑलरेडी है उसको सिर्फ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन के लिए और क्या क्या लगेगा मटेरियल के अलावा बोल रहा हूं मैं रॉ मटेरियल के अलावा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए और क्या क्या लगेगी तो यदि तीन चीजें टोटल लगती है एक्चुअली फिनिश गुड बनाने के लिए मत... तीन रिसोर्सेज मटेरियल मैन पावर मशीनरी मटेरियल ऑलरेडी है मैन पावर और मशीनरी और लगेगी फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए मैन पावर से रिलेटेड कॉस्ट लेबर मशीनरी से रिलेटेड कॉस्ट फैक्ट्री तो ये दो को मिला दो तो क्या हो गई कन्वर्जन कॉस्ट ये दो को मिला दो तो हो गई कन्वर्जन कॉस्ट वैसे टेक्निकली आपको ये भी बता दूं देखो हमने कल कॉस्टशीट में पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवर हिड्स इज फैक्ट्री कॉस्ट तो अपने को फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचना है फिनिश गुड्स की कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचना है फैक्ट्री कॉस्ट में से मटेरियल की कॉस्ट हटा दो क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है तो बची हुई कॉस्ट को क्या बुलाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट बची हुई कॉस्ट में क्या क्या गई लेबर डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवर फिर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा क्यों नहीं क्योंकि वो बहुत रेयरली आता है अरे रहा तो ले ले ना। रहा तो आपको मिलेगा नहीं कुछ इसलिए लोगों ने क्या किया इसको ड्रॉप कर दिया तो कन्वर्जन में कौन सी कॉस्ट बच गई दो एक डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इसलिए लिखा है, लेबर प्लस टुगेदर दोनों को मिला के एक नाम से बुलाए तो क्या जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट और उस कन्वर्जन कॉस्ट को मैं यदि मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर दू तो हमको मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट नहीं कन्वर्जन कॉस्ट को काय में ऐड कर दो मटेरियल कॉस्ट तो आपको मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में से मटेरियल कॉस्ट हटा दो तो क्या बची कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट में टेक्निकली डायरेक्ट लेबर है डायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन वो रहता नहीं इसलिए लोगों ने इसको हटा दिया इसलिए सिर्फ लेबर प्लस फैक्ट्री को ही लोग बुलाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट याद कैसे रखने का कॉस्ट रिक्वायर्ड टू तो कन्वर्ट रॉ मेटर इंटू तो फिनिश गुड्स यू ऑलरेडी हैव रॉ यू टू जस्ट कन्वर्ट इट फिनिश तो कन्वर्जन के लिए और क्या क्या खर्चा लगेगा वो कन्वर्जन कॉस्ट फिर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन के पहले ना अरे आजकल एक ट्रेंड चलता है ना प्री वेडिंग शूट है ना प्री वेडिंग यानी वेडिंग के पहले जो खर्चा लग गया तो ऐसा प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन चालू करने के पहले ही जो खर्चे लग जाते उसको प्री प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते वहां लिखे हैं वैसे कुछ एग्जांपल कॉस्ट इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन है इसमें कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज कॉस्ट ऑफ टेस्ट टेस्टोर और ट्रेनिंग कॉस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया मोल्ड और डाइज पता है क्या कुछ ये वर्ड सुना है क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है वेरी गुड मोल्ड सांचा, सांचा, उसको मोल्ड या डाई बोलते सिंपल अभी गणपति के दिन आ रहे पास में गणपति की मूर्तियां बनाने के लिए तुम देखना यदि वो जहां बनती है वहां एक सांचा या मोल्ड रहता है फिर मिट्टी की या प्लास्टर ऑफ पैरिस की जो मूर्ति बनती है वो सांचे के अंदर उसको वो लगा देती मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पैरिस मोल्ड के अंदर और वो मोल्ड उसको थोड़ा रेस्ट सूखने देते मोल्ड निकाल देते शेप की मूर्ति निकल जाती है अंदर से मूर्तियां बनाने के पहले आपको उस मूर्ति के शेप का क्या बनाना पड़ेगा सांचा, सांचे को बोलते मोल्ड या टेक्निकल वर्ड में उसको डाय भी बोलते तो आपको प्रोडक्शन तो करना है गणपति मूर्तियों का अरे लेकिन वो चालू करने के पहले वो सांचा बनाओ तो मोल्ड को बनाने के लिए खर्चा नहीं लगेगा वो कॉस्ट को क्या बुलाएंगे प्री प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन कॉस्ट एक और एग्जांपल देता हूं कार का दरवाजा आपने देखा होगा चार दरवाजे रहते दो आगे दो पीछे वो दरवाजा यदि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके देखोगे तो एक सेकंड में एक बनता क्या बोला आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात पर कैसे बनता वो शेप का पहले एक डाय बनाते मेटल का डाई यानी वही मोल्ड या डाई एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन रहती है उस पर वो डाई लगा देते वो डाई हार्डन स्टील का रहता है डाई खराब नहीं होता जल्दी वो एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन पे वो डाई को लगा देते पहले वो डाई मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा आपको अब स्टील की शीट वो मशीन के नीचे से सरकती रहती है और ये जो डाय है मशीन से उसका मैकेनिकल हैंड जो उसको सिर्फ पंच करता है एक पंच किया कि वो एक शीट वो कट के उस शेप की निकल जाती है डोर के शेप की एक पंच करने को जितना सेकंड लगता है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्चुअली पंच किया वो एक दरवाजा बार फिर ये शीट आगे सरकती पंच बार पंच बार वो डाई लगा हुआ उधर एक पंच में एक शीट वो शेप बना हुआ है उसमें वो मेटल की शीट पे प्रेस करता सिर्फ वो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से हाँ बिलीमी और नॉट यूट्यूब पे घर पे जाकर ढूंढना यूट्यूब पे वैसे भी ढेर सारी चीजें देखते काम की चीजें देखना चाहिए यूट्यूब से ध्यान में आया काम की भी चीजें अपने और बेकार की चीजें तो ढेर सारी है हाँ वो तो कोई लिमिट नहीं है अपने को दस जन्म लेने पड़े तो भी देख नहीं पाएंगे इतना मटेरियल या मसाला यूट्यूब पे यदि समय रहे खाली समय और आपको नॉलेज गेन करना और स्पेशली कॉस्टिंग से रिलेटेड तो मैं बताता हूँ आपको यूट्यूब पे आप क्या टाइप करना सिर्फ फैक्ट्री मेड ऐसा टाइप करना फैक्ट्री मेड अभी नहीं फ्री टाइम में YouTube पे आप सर्च करते हैं तो फैक्ट्री मेड सर्च किया तो फैक्ट्री में जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट की वीडियोस आपको आ जाएंगे दिखाई देंगे तो आपको फैक्ट्री में एक्चुअल जाने की जरूरत नहीं वीडियोस अपलोडेड है वहां तो उस पर आप अलग अलग प्रोडक्शन की प्रोसेस को देख सकते प्रोडक्शन प्रोसेस आपको वही दिखाई देगी फैक्ट्री मेड सिर्फ टाइप करने की दे रही है ढेर सारी वीडियोज खुल जाएंगे उसमें द प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन द फैक्ट्री उनके वीडियोज डाले हुए हैं तो इससे आपको नॉलेज गेन होगा आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन का सेंस मिलेगा क्योंकि हमको प्रोडक्शन की बहुत ऐसी डे टू डे लाइफ में काम नहीं पड़ता है और फैक्ट्री विजिट तो कब करेंगे टाइम कब निकालेंगे और परमिशन कब लेंगे तो रेडीमेड मिल जाता ना यहाँ तो अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं मोबाइल का और बुरा यूज तो वो तो कभी भी कर सकते उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं अब मेरे ये बोलने में क्यों आया मैंने भी एक बार उधर सर्च की नैनो फैक्ट्री नैनो नाम की कार छोटी सी थी अभी चलती नहीं वो ज्यादा लेकिन रोड पे है कुछ पीसेस टाटा की फैक्ट्री कैन यू बिलीव में नानो फैक्ट्री का जो जो प्लांट है सानंद करके गुजरात में है सानंद करके जगह है वहां पर वो प्लांट है ऑटोमेटेड प्लांट है नैनो का उस प्लांट की कैपेसिटी कार प्रोडक्शन की क्या होनी चाहिए ये आप ढूंढ लेना मेरे बोलने पे विश्वास मत रखना अ कार पर मिनट अ कार पर मिनट ज द स्पीड एट विच दैट फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस द कार यानी वन कार इन वन मिनिट इतनी कपेसिटी का वो प्लांट लगा हुआ है वहां सानंद में और आजकल झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता आप इमीडिएटली उसको ढूंढ सकते इंफॉर्मेशन वाला जो मैटर है वो तो इमीडिएटली ढूंढ के आपको मिल जाएगा तो मैंने भी वो देखा था एक बार वीडियो नैनो आप भी कभी फुर्सत में देख लेना अभी भी यदि वो वीडियो हो वहां पर तो कार मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आपको मिलेगा नैनो कार फैक्ट्री डाल दिया उसमें वो कार की बॉडी को पेंट करते ना तो पेंट कैसा करते वो रोबोटिक हैंड वो उसकी जो चेसिस बॉडी है ना पूरी वो बॉडी बनने के बाद वो उसको होल्ड करता है रोबोटिक हैंड और पेंट की पूरी टैंक है एक वो सिर्फ उसको डुबाता है और रख देता आगे फिर दूसरी बॉडी उठाता है ऐसा डुबाता और आगे रख देता हो गया पेंट ऐसे ऐसे नहीं मारते बैठते मैनुअल काम नहीं होता वो यानी पूरी बॉडी कार की बनी हुई रेडी सिर्फ वो रोबोटिक हैंड उसको डिप करता है उसके अंदर टैंक में पेंट के टैंक में आगे और आगे फिर उसको हीटिंग करते ओवन में से गुजरता है वो तो पेंट सूख जाता है वन कार पर मिनट इतनी कैपेसिटी का वो प्लांट डिजाइंड है वो कार चलती नहीं वो अलग बात है इसलिए प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है लेकिन ये डिजाइन उस कैपेसिटी का एनीवे anyway, मैं कहा था शायद मोल्ड और डाई से आपको कहां घुमाने ले गया है फिर कॉस्ट ऑफ टेस्ट रन टेस्टर ने, ने कोई भी प्रोडक्शन चालू करने के पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है मशीन का यानी पहले काम करके देखते प्रोडक्शन करके देखते कि वो सही क्वालिटी का आ रहा है या नहीं आउटपुट बराबर जैसा चाहिए वैसा आ रहा है नहीं तो मशीन को रीसेट करना पड़ेगा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और दोस्तों मैं भी रोज दस मिनट पहले आता काय के लिए वो टेस्टिंग के लिए भाई माइक चल रहा क्या नहीं बराबर वो लाइव स्ट्रीमिंग वालों को दिख रहा कि नहीं वो वहां स्टाफ देखता है हमारा हाँ लॉग करके कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं तो इमीजिएट आके बोलेगा कि आपका आवाज नहीं आ रहा है ये मेरे टैबलेट का सेटअप इसके साथ इसका कनेक्शन वो सेटअप कैमरे में वो इमेज बराबर आ रही है नहीं ये क्या करना पड़ता है रोज सेटअप करना पड़ता है नहीं टेस्टिंग करनी पड़ती है बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर ऐसा ही प्रोडक्शन फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू करने के पहले टेस्टिंग करके देखना पड़ता है तो टेस्टिंग में मैन पावर जाती इलेक्ट्रिसिटी लगती रॉ मेटेल वेस्ट होता टेस्टिंग करके जब ओके हो जाता सब कुछ ओके फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन चालू करते तो टेस्टिंग पे जो खर्चा किया वो प्रोडक्शन चालू करने के पहले वो हुआ टेस्ट रन का खर्चा ट्रेनिंग अरे वर्कर्स को ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी क्या नहीं क्या वर्कर अपॉइंट किया और डायरेक्ट भेज दिया फैक्ट्री में काम चालू करो कर पाएंगा वो और सही क्वालिटी का होगा क्या काम जैसे आप इंटरमीडिएट पास हुए रे हुए ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए और इंस्टीट्यूट ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाओ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए प्रैक्टिस करो लोगों का काम करो कंसल्टेंट बन के और आपने प्रैक्टिस चालू की ऑफिस खोला पहले दिन ही क्लाइंट आ गया आपके पास इनकम टैक्स का और आपने इनकम टैक्स वैसे पढ़ा है इंटरमीडिएट में लेकिन थेराटिकल पढ़ा है आप इस बेसिस पे उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बोलते हैं आपको लगता आप कर देंगे इस ख्याल में रहना मत नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप बोलेंगे पूरा सब्जेक्ट पढ़ा पास किया हमने इनकम टैक्स का नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो थेरोटिकल नॉलेज था शायद प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत और पड़ेगी आपको और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग रहता है वो कहाँ सीखने को मिलेगा आर्टिकलशिप में उसको आर्टिकल शिप ट्रेनिंग ही बोलते दोस्तों तो सी ए बनाने के पहले क्या करना पड़ता उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती तो सी ए के पास काम इसीलिए करवाने को बोलते हैं कि थेरी तो पढ़ ली तूने जरा प्रैक्टिकली कैसे होता है वो भी कर अरे ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ना और किसी कंपनी का जाके ऑडिट करना बहुत फर्क है दोनों में बहुत फर्क है दोनों में एक आपको यदि अंदाज दे दूं तो वैसे टैक्सेशन वाले लोग बताएंगे आपको जस्ट ट्रेनिंग की बात निकली तो अंदाज देता चलो आप जो यहां पर इनकम टैक्स पढ़ेंगे और कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें इनकम दी जाती है वैसे इनकम टैक्स में पांच हेड तो पढ़ाई दिए होंगे ना सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन राइट कैपिटल गेंस और अदर्स हो इतना तो हो गया होगा बेसिक फाइव हेड्स यानी इनकम को पांच हेड में डिवाइड करके फिर उसको एड करके इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है ये आप पढ़ेंगे थेटिकली तो आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में उसमें इनकम दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसका कंप्यूटेशन करो कि इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और टैक्स लाइबिलिटी कितनी है वहां तक आप आएंगे आपके टैक्सेशन में सिखाया जाएगा आपको रियल लाइफ में जब ऑफिस में क्लाइंट आता है ना मैंने बोला थेरी और प्रैक्टिस में फर्क है वो क्लाइंट आता है तो वो उसका क्या काम करना पड़ता है बताऊँ आपको मेजोरिटीली क्लाइंट आके बोलता है सर पिछले साल सीए को पिछले साल तो मैंने दो हजार रुपए टैक्स दिया था गवर्नमेंट को हु? इस साल मेरी इच्छा है थोड़ा सा ज्यादा देते तीन हजार रुपए टैक्स दूंगा इस साल गवर्नमेंट को ऐसा कौन बोलता है क्लाइंट इस साल मेरी इच्छा कितनी है टैक्स देने की तीन हजार अब आप तीन हजार टैक्स लाइबिलिटी आए ऐसी इनकम डिजाइन आप करो और ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ ये रियल लाइफ में करना पड़ता है थियोराटिकल लाइफ में क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रायल बैलेंस दिया रहता उससे है उससे प्रॉफिट निकालते ना रियल लाइफ में क्या करना पड़ता है उल्टा वो टैक्स वो बताता है कितना भरना है उसके हिसाब से इनकम एक्सपेंडिचर सब अरेंज करके प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंट बना के काम करके देना पड़ता उसको तो आपकी फीस देंगे उन्हें तो नहीं देंगे ये कौन सीखाएंगे आपको ये किताबों में और सिलेबस में नहीं सीखने को मिलेगा ये जब ऑफिस में जाएंगे ना, तो पता तो टैक्स लाइबिलिटी तो से पीएनएल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ और सीए बना के देता इसलिए तो सीए को सलाम करते दोस्त कुछ भी कर सकता बोले चलो जाने दो हम कौन से मैटर थे ट्रेनिंग में वर्कर के ट्रेनिंग की बात कर रहा मैं आपके ट्रेनिंग पे पहुंच गया वर्कर को फैक्ट्री में समझ में आया मैंने क्या बोला थियोरी प्रैक्टिस में बहुत फर्क है इसीलिए वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है दोस्तों उसको लाइटली मत लेना उसमें बहुत सीखने को मिलेगा आपको अरे क्लाइंट से बात कैसे करना गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम करा के लाना पड़ता उनसे बात कैसे करना वो सब अलग ही मैटर है वो किताबों में सीख नहीं सकते आप वो प्रैक्टिकल लाइफ में सीखने कम बैक हमने कोई नया वर्कर अपॉइंट किया उसको लेथ मशीन चलाना है एक लेथ नाम की मशीन होती है अरे उसको पहले मशीन चलाना सिखाओ तो फिर वो मशीन पे काम करेगा और काम करेगा तो प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन चालू करने के पहले वर्कर को ट्रेनिंग दो उसके ट्रेनिंग का खर्चा प्री प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जाम्पल दिया आपको कंसेप्चुअली सिर्फ क्या है प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले जो खर्चे करने पड़े प्री प्रोडक्शन कॉस्ट <laughs> एलिमेंट बेस्ड ये हो चुका अपना थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी पढ़ लिया मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम इन डिटेल अब कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है दोस्तों पेमेंट बेस्ड कॉस्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट आपके जेब से पेमेंट आप यदि एक्चुअली कर रहे हो तो उस कॉस्ट को बुलाते एक्सप्लिसिट आ रही है मैं बहुत बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं और आपके जेब से पैसे कब निकल गए आपको पता ही नहीं चले पता ही नहीं चली आपकी जेब कब कट गई ऐसा सब मजाक में बोला फिर समझाऊंगा उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉस्ट तो एक है और एक है है और ये कंपैरिजन का टेबल प्रिंटेड है आपके नोट्स में तो चिंता करने की जरूरत नहीं मैं खुद ही बता दूंगा क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है तो पहले एक्सप्लिसिट देखते एक्सप्लीसिट कॉस्ट यानी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो खर्चा लगते हुए दिखता है यानी एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअली लगा खर्चा एक्चुअल कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज यूज इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग वैसे भी अकाउंटिंग सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट का ही हो सकता है क्योंकि अकाउंटिंग के लिए आपको वो प्रूफ लगता है ना पेमेंट का प्रूफ है ना वाउचर वगैरह तो जो एक्चुअल खर्चा हुआ होगा तो वाउचर मिलेगा और वाउचर होगा मिलेगा तो अकाउंटिंग होगा तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए तो यूज होती है और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज होती है कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी और डिसीजन मेकिंग एग्जाम्पल दिए कुछ एक्चुअल रेंट पेड मैंने यदि क्लासरूम रेंट पे लिया तो रेंट देना पड़ेगा ना लैंडलॉर्ड को एक्चुअल देना पड़ेगा तो एक्सप्लिट कॉस्ट यदि मैंने एंप्लॉज रखे मेरे कंपनी में तो उनको सैलरी वेजेस देनी पड़ेगी जेब से वो क्या हुई एक्सप्लिसिट कॉस्ट एग्जाम्पल है कुछ एग्जाम्पल्स अरे दोस्तों हम जनरली जो कॉस्ट बोलते हैं ना खर्चा लग रहा है वो सब हमारे दिमाग में जो रहता है ना वो ही रहता है सर एक्चुअली हमारे दिमाग में इंप्लीसिट कॉस्ट आती नहीं क्योंकि वो लगते हुए दिखती ही नहीं जब खर्चा होते हुए दिख ही नहीं रहा आपको तो आप वो कॉस्ट कभी लगी पता ही नहीं चलती आपको वो सब इंप्लीसिट है हिडन कॉस्ट बोलते हैं उसको देखो इंप्लीसिट कॉस्ट में क्या क्या लिखा है हिडन कॉस्ट पता ही नहीं लगा कब लग गई हिडन और एक नाम उसका इंप्यूटेड नाम है उसी का इंप्लिसिट कॉस्ट को इंप्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं हिडन कॉस्ट भी बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं देखो नोशनल रेंट लिखा है मैंने नोशनल कॉस्ट नोशनल यानी समथिंग विच इज नॉट एक्चुअल एनीथिंग विच इज नॉट एक्चुअल इज कॉल्ड नोशनल नेशनल नहीं है हाँ एक वर्ड का स्पेलिंग फर, का फर्क है जाना सा नोशनल नोशनल यानी समथिंग विच इज नॉट एक्चुअल शनल कॉस्ट हिडन कॉस्ट इंप्यूटेड कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी इंप्लिसिट कॉस्ट ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में यूज होती है अकाउंटिंग में नहीं ऐसे लिखा है क्या लिखा है नॉट यूज इन अकाउंटिंग बट यूज इन डिसीजन मेकिंग इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी मार्जिन कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में हम इंप्लिसिट कॉस्ट यूज करेंगे और अकाउंटिंग जो है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वो अकाउंटिंग में यूज नहीं होती कौन सी इंप्लिसिट कॉस्ट तो आपके वॉल्यूम टू खत्म होने तक इंप्लिसिट कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी वॉल्यूम थ्री जब चालू होगा टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग तब इंप्लिसिट कॉस्ट लगेगी क्योंकि वह डिसीजन मेकिंग में यूज होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों जगह यूज होती है एक्सप्लिसिट अकाउंटिंग में भी लगती डिसीजन मेकिंग में भी लगती इंप्लिसिट सिर्फ डिसीजन मेकिंग में लगती है अकाउंटिंग में नहीं क्योंकि एक्चुअल लगा ही नहीं खर्चा तो अकाउंटिंग कहां से करेंगे अब जो पैसा जेब से कट के गए ही नहीं बैंक से कट कटके गए कहां से करेंगे आप, आप बोलेंगे ऐसी कौन सी कॉस्ट होती होंगे जो जेब से लगी नहीं एक्चुअल खर्चा हुआ नहीं उसका वाउचर अवेलेबल नहीं लेकिन डिसीजन मेकिंग में तो लग रही है डिसीजन मेकिंग में लग रही है कुछ एग्जाम्पल मैंने दी नोशनल रेंट समझाऊंगा क्या है ओन सैलरी का एग्जाम्पल बाद में देखता हूं ध्यान देना दा समझना है कॉन्सेप्ट समझना है फाइनल तक लगने वाली कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो इम्प्लिसिट वाला जो सभी डेटा है वो डिसीजन मेकिंग का और फाइनल का पूरा कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग बेस्ड है हाई लेवल बिजनेस डिसीजन मेकिंग बेस्ड है तो उसमें अकाउंटिंग बिकाउंटिंग लोअर लेवल पे डाल दिया बाकी अपर लेवल पे ये लगता है और लाइफ में भी लगता है रियल लाइफ में समझना ऐसा समझो ये क्लासरूम का मैं ओनर हूं खुद का है मेरा क्लासरूम तो मैं रेंट दूंगा क्या किसी को खुद का है तो रेंट कैसे दूंगा बराबर है जब रेंट दूंगा ही नहीं तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा क्या रेंट को नेचुरली नहीं।, नहीं करूंगा जब रेंट पे किया ही नहीं खर्चा हुआ ही नहीं तो पी में डेबिट कहां से होगा अकाउंटिंग में आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि मैं दे ही नहीं रहा ओनर हूं मैं क्लासरूम का अब क्लासरूम का ओनर हूं मैं क्लासेस यहां लेता हूं ऐसा समझो क्लासेस कंडक्ट करके साल भर के बाद एक साल के बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसमें नेट प्रॉफिट की फिगर आई रुपीज़ टेन लाख नेट प्रॉफिट की फिगर आई टेन लाख बराबर है ये टेन लाख प्रॉफिट निकालते समय रेंट माइनस किया होगा क्या मैंने नहीं ना कैसे करूंगा मेरा खुद का क्लासरूम है ना तो टेन लाख प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट मेरा दूसरा एक दोस्त है सी एस को मैंने बताया देख मैंने कोचिंग क्लास चालू की मेरे पास क्लासरूम था उसमें टेन लाख रुपीज़ प्रॉफिट हुआ अपन बताते हैं ना दोस्तों लोगों को अपनी कोई अचीवमेंट रही तो शेयर करते हैं उसको बताया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बोले वैसे तो अच्छा है टेन लाख रुपीज़ प्रॉफिट हुआ तो लेकिन तू बेवकूफ़ है मेरा दोस्त क्या बोलता है मुझे तू बेवकूफ़ है अब मैंने कहा टेन लाख रुपीज़ प्रॉफिट हुआ मेरे को बेवकूफ़ बोल रहा है बोले सही में बेवकूफ़ है मैंने कहा कैसे भेज रहा प्रूव कर अरे बोले काय के लिए इतनी मेहनत कर रहा टाइम दे रहा क्लासरूम में कोचिंग दे रहा मैंने कहा क्यों अरे से क्लासरूम किराए पर दे देता टू लाख रुपीज़ पर मंथ एक को किराया आता 12 मंथ का कितना मिलता ट्वेंटी फोर लाख तूने कौन सा बड़ा काम किया टेन लाख कमा के क्या गलत बोल रहा है वो शायद सही बोल रहा है वो यानी मेरा कोचिंग क्लास का डिसीजन गलत हो गया फाइनेंशियली अब इसको इस एंगल से देखना ये टेन लाख रुपीस कमाने के चक्कर में कोचिंग क्लास लेने के चक्कर में मैंने 24 लाख ,00 रेंट कमाने की अपॉर्चुनिटी गंवा दी आई हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न 24 फोर ,00 लैख रुपीज रेंट इन ऑर्डर टू अर्न 10 लाख। एक्चुअली देर इज लॉस ऑफ 14 लाख टू मी। अरे 10 लाख ,00 24 फोर ,00 लैख का नुकसान करके 10 लाख ,00 कमाए तो नेट लॉस कितने का हुआ 14 लाख। ,00 ये 14 लाख ,00 लॉस कब दिखाई देगा जब आप वो जो रेंट था ना 24 फोर ,00 लैख जो मैं कमा सकता था जो चला गया उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लॉस दी अपॉर्चुनिटी टू एन ट्वेंटी फोर लैक उसको यदि कॉस्ट ट्रीट करूं थोड़ी देर के लिए उसको कॉस्ट ट्रीट करूं और पीएनएल को डेबिट कर दूं तो टेन लाख प्रॉफिट हो जाएगा फोर्टीन लाख लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा यह सही फिगर है बोलने के लिए नेट प्रॉफिट हुआ है टेन लाख लेकिन शायद डिसीजन गलत हो गया मैं यदि ये टेन लाख को देख के डिसीजन लू तो शायद मेरा डिसीजन गलत है क्योंकि लाख कमाने के चक्कर में ट्वेंटी फोर लाख का नुकसान कर दिया मैंने वो ट्वेंटी फोर लाख को भी कॉस्ट प्लीट करो लेकिन वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करो अकाउंटिंग में थोड़ी यूज कर सकते हैं आप अपने ट्वेंटी लाख पे यही नहीं किसी को तो अकाउंटिंग कहां से कर लेंगे लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए उस कॉस्ट को कंसिडर करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे मेरा डिसीजन गलत हुआ तो सही डिसीजन लेना हो तो इंप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए मैं डिसीजन मेकिंग के लिए बोल रहा हूं अकाउंटिंग के लिए नहीं वो मीनिंग है किसका नोशनल रेंट का मतलब है क्योंकि रेंट एक्चुअल तो दिए नहीं आपके बात समझ में आई कुछ एक और एग्जांपल लेते एग्जांपल है, सिर्फ स्टोरी <laughs> मेरे दो दोस्त हैं कॉलेज के जमाने के ए और बी वो सीए वी ए करने के चक्कर में पड़े नहीं तो जल्दी सेटल हो गया लाइफ में ग्रेजुएशन उन्होंने भी किया मैंने भी किया मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करते बैठा सी किया एम किया आईसीडब्ल्यू किया बहुत सारा वो आईसीए में किया बहुत सारे काम करते बैठा तो उसमें का दोस्त ए तो बीकॉम के बेसिस पे एक जॉब ज्वाइन कर लिया उसने राइट एक बैंक में उसको लग गई नौकरी और उसको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ मिलता है तो ट्वेल्व मंथ्स का उसने कितना कमाया सिक्स लाख रुपीज उसकी सैलरी है ठीक है और उसकी शादी भी जल्दी होगी कमाने लग गया तो तो शादी में उसके फादर ने गिफ्ट दी उसको राइट फादर इन लॉ से उसको टेन लाख रुपीज गिफ्ट मिली उसने उस टेन लाख रुपीज को बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख दिए बैंक फिक्स डिपॉजिट में ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो सिंपलिसिटी के लिए कि टेन परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है आजकल मिलता नहीं है टेन परसेंट सिंप्लिसिटी के लिए कि उसको 10 इंटरेस्ट पर एनम मिल रहा है तो टेन लाख पे इंटरेस्ट कितना मिला टेन परसेंट से वन लाख पर आए तो एक लाख रुपया और कमा रहा है वो राइट वो टेन लाख रुपीज से ए की शादी पहले हो गई बाद में बी की हुई अच्छा ए ने सब बातें शेयर किया मुझसे दोस्त हूं ना उनका ए ने सब शेयर किया मुझसे बी की शादी हुई तो ए को दस लाख रुपए मिले थे तो बी ने भी मांग लिए तो बी के फादर इन लॉ ने भी उसकी शादी हुई तो उसको कितने दिए टेन लाख रुपीज बी ने क्या किया बी ने टेन लाख रुपीज को फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखा बी ने टेन लाख रुपीज को इन्वेस्ट करके बिजनेस में एक बिजनेस चालू किया, उसने लाख इन्वेस्ट करके क्या चालू किया बिजनेस और उस बिजनेस में उसने पहले साल टेन लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट पे फाइव लाख रुपीज प्रॉफिट कमाया नेट प्रॉफिट जो कि बहुत अच्छी बात है टेन लाख रुपीज कैपिटल लगाया बिजनेस में और पहले साल उसने प्रॉफिट कमाया फाइव लाख और ये दोनों दोस्त जब मुझसे मिले तो मैंने दोनों से पूछा क्यों रे तेरे को दस लाख रुपए मिले थे तूने क्या किया तेरे को दस लाख रुपए मिले तूने क्या किया तो एक ने बोला मैंने दस लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रख दिए एक लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला कमाई दूसरे ने बोला मैंने ज्यादा अच्छा काम किया बी ने मैंने दस लाख रुपए बिजनेस में लगाए पांच लाख रुपया प्रॉफिट कमाया देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैंने ये ए है एक लाख रुपया कमा रहा है दस लाख पर बी कितना कमा रहा है पांच लाख इसको शाबाशी देनी चाहिए मैंने बी को शाबाशी दी क्योंकि पांच लाख रुपए कमाए शाबाश 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 तूने अच्छा काम किया ए को गुस्सा आ गया किसको ए को गुस्सा आ गया बोले शाबाशी मुझे दे इसको नहीं मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया अब ए का लॉजिक देखना उसमें है उसमें कॉन्सेप्ट छुपी अपनी ए ने बोला मैंने तो पैसे बैंक में रख दिए थे इंटरेस्ट अपने आप आ रहा है बी ने पैसे बिजनेस में लगाए लेकिन बिजनेस करने के लिए टाइम भी तो दे रहा है वो खुद का अरे खुद का टाइम दे रहा है कि नहीं बिजनेस में वो टाइम की कीमत कहां ली आपने बोले हम दोनों इक्वली क्वालिफाइड है यदि मुझे छह लाख की नौकरी मिल सकती है तो इसको भी मिल सकती थी तो ये जो बिजनेस में टाइम दे रहा है वो टाइम को यदि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो तो इसने कितने की अपॉर्चुनिटी कमाई छह लाख रुपए कमाने की अरे हम दोनों इक्वली क्वालिफाइड है ना इसके टाइम की कीमत कहां पकड़ी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खुद की सैलरी डेबिट करते क्या आप नहीं एम्प्लॉय की सैलरी डेबिट करेंगे ना जो जेब से देंगे बराबर है तो बोले ये छह लाख की अपॉर्चुनिटी गंवा कर फिर पांच लाख रुपए कमा रहा है एक्चुअली एक लाख रुपए लॉस में हो तो क्या गलत बोला हाँ वो तो बराबर इंटरेस्ट भी गया <laughs> एक लाख रुपए का इंटरेस्ट भी गया वो लाख तो ये शायद ए का व्यू सही है शायद तुमने खुद के टाइम की कीमत तो पकड़ी ही नहीं यू लॉस दैट टाइम मीन यू लॉस द अपॉर्चुनिटी टू वन सिक्स लैक्स रुपीज सैलरी मेरे ख्याल से शायद ए सही बोल रहा है यहां मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ओन सैलरी देखो खुद के समय की कीमत अरे खुद ही ओनर है अपन तो अपने समय की कीमत डेबिट करते क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते लेकिन यू हैव लॉस दैट टाइम वो टाइम में आप कुछ और कर सकते थे कुछ और कमा सकते थे वो अपॉर्चुनिटी गई ये डिसीजन मेकिंग के लिए सोचो मेरे ख्याल से ए का डिसीजन ज्यादा बेहतर था एज कम्पेयर टू बी लेकिन ऊपर ऊपर क्या दिखता है ऊपर ऊपर देखो तो कि दस लाख रुपए में ए ने कमाया एक लाख बी ने कमाए पांच लाख तो शायद आपका डिसीजन गलत हो सकता था यदि आप ये इम्प्लीसिट कॉस्ट को इग्नोर करते तो गलत होता है इसीलिए डिसीजन मेकिंग में इम्प्लीसिट कॉस्ट लेना जरूरी है कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत एक लास्ट एग्जाम्पल लेता हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस को जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और भूल गए तो मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा आपके ध्यान में जाएगा जरा ध्यान देना ट्वेल्थ पास होने के बाद बहुत सारे कोर्सेस या चॉइसेस अवेलेबल रहती ढेर सारे लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर पासिंग ट्वेल्थ लेकिन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोर्स यदि कोई है तो वह सी ए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और दोस्तों आप आई आई टी आई आई एम वो तो ग्रेजुएशन के बाद वैसे होता है या इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएंगे उसके तो एंट्रेंस एग्जाम देते देते ही खर्चा कितना लग जाएगा कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलती कौन से कॉलेज में नहीं मिलती आप यदि कॉस्ट वाइज देखेंगे ना कॉस्ट वेजे ने आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कॉस्ट एक्सप्लिस सीए से सस्ता और अच्छा कोर्स नहीं है जो क्वालिफिकेशन की जो वैल्यू है मार्केट में सी ए कोर्स की आई एम आई टी के बराबर की वैल्यू है लेकिन खर्चा बहुत ही कम और वो भी ट्यूशन का खर्चा तो ऑप्शनल है अरे आप चाहो तो घर पे जो होशियार है या पढ़ाई करना जानता है वो घर पे जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ के यदि पास हो जाए तो ये भी खर्चा बच सकता है आपका तो देखा जाए तो सीए बनने के लिए खर्चा बहुत बहुत कम लगता है अच्छा दूसरा आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड और मिलेगा अलग स्टाइपेंड यानी पता है ना आपको स्टाइपेंड मिलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका काम कर, ट्रेनिंग भी देता है और पैसे भी देता है तो तो पैसे और आ जाते हैं और इंस्टीट्यूट की फीस वो उसमें से माइनस करोगे स्टाइपेंड में से तो सरप्लस बचेगा जेब में झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं इंस्टीट्यूट की फीस एग्जाम की फीस का जो खर्चा लगता है ट्यूशन फीस छोड़ दो वो तो ऑप्शनल है ये फीस माइनस भी कर देंगे स्टाइपेंड में से तो आपके पास सरप्लस बचेगा यानी खर्चा ही नहीं है तो सीए से सस्ता और अच्छा कोर्स तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता तो ऐसा एक सेमिनार में यही बात पे क्वेरी आ गई थी सेमिनार लेते ना जैसे कि ट्वेल्थ के, के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है तो तो अपन सीए सीए वाले हैं तो सीए की पढ़ाई करते तो एक बच्चे ने पूछ ही लिया कि सर सीए बनने में खर्चा कितना लगता है क्या पूछा सीए बनने में खर्चा कितना लगता है बराबर है ना वो घर पे जाके बताना पड़ेगा ना उसको पेरेंट्स को कि कितना खर्चा लगता है कौन से कोर्स के लिए तो मैंने उसका जवाब बड़े स्टाइल में दिया उसमें अपनी कॉन्सेप्ट छुपी है मैंने उसको बोला दोस्त खर्चा तो कुछ हजारों में लगता है एक्चुअली उतना भी नहीं लगता देखा जाए तो उसको क्या बोला मैंने सीए बनने में खर्चा कितना लगता है क्वेश्चन का जवाब दिया मैंने कि खर्चा तो कुछ हजारों में लगता है लेकिन जवानी पूरी लग जाती है जवानी पूरी, पूरी लग जाती है यह सेंटेंस में दो कॉस्ट छुपी है खर्चा कुछ हजारों में लगता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात कर रहा था मैं और ये जो जवानी पूरी लग जाती है ना कभी कभी संडे के साथ भी लग जाती है ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये खर्चा कोई पकड़ता ही नहीं क्यों क्योंकि जेब से लगता नहीं लेकिन जब ये खर्चा पकड़ेंगे ना आप इम्प्लिसिट कॉस्ट तो शायद सीए कोर्स बहुत कॉस्टली हो जाता है और इसीलिए हर कोई सीए कोर्स ज्वाइन नहीं करता सस्ता होने के बाद भी क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है सीए करूं या नहीं तो शायद एक्सप्लिसिट कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी कॉस्ट है इंप्लिसिट कॉस्ट है और यदि इंप्लिसिट कॉस्ट को छोड़कर आपने डिसीजन लिया होगा सीए बनने का यानी सीए बनने के लिए क्यों आए क्योंकि सिर्फ सस्ता है कौन सा वाला पॉकेट वाला कॉस्ट यानी कौन सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कम है इसलिए सीए कर रहा हूं तो शायद डिसीजन गलत हो जाएगा यानी डिसीजन मेकिंग में इंप्लिसिट कॉस्ट कंसीडर करना बहुत जरूरी है अब आप यदि कॉन्सेप्ट भूल गए और अगली बार क्वेरी पूछी तो मैं क्या बोलूंगा खर्चा कुछ हजारों में लगता है जवानी आप बोलेंगे सब याद आ गया <laughs> तो जवानी जो पूरी लगती है वो इंप्लिसिट या हिडन कॉस्ट है उसको कभी भूलना नहीं सीए करते समय और इसीलिए बहुत गिने चुने लोग ब्रेव पीपल लाइक यू दे डेयर टू डू आई होप आपने डिसीजन लेते समय दोनों कॉस्ट कंसिडर किए और यदि आपने डिसीजन मेकिंग में सिर्फ एक्सप्लिसिट कंसिडर किया तो आपका डिसीजन ऑलरेडी गलत हो चुका है आगे बढ़ते दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स ये जिनके पास प्रिंटेड कॉपीज है पेज नंबर वन पॉइंट पे कुछ प्रिंट किया हुआ है उसको मैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूंगा इसकी जरूरत तो ऐसे सी फाइनल में ज्यादा लगती है लेकिन कॉन्सेप्ट इधर है इंटरमीडिएट सिलेबस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पहले वो चार टाइप के हैं वो बता देता हूं दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर ऑफ फोर टाइप्स एक को बुलाते हैं हम कॉस्ट सेंटर एक को रेवेन्यू सेंटर प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर इसको ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत तो इंटरमीडिएट में कम पड़ती है दोस्तों रिस्पांसिबिलिटी सेंटर को आप थोड़ी देर के लिए समझ लो इट्स डिपार्टमेंट आपके कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऐसे एच डिपार्टमेंट थोड़ी देर के लिए सेंटर को क्या समझो डिपार्टमेंट इनको नाम दे दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पहली बात तो हर सेंटर का एक इंचार्ज होता है एने हर डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज परचेस डिपार्टमेंट का इंचार्ज परचेस मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज इंचार्जर एच आर डिपार्टमेंट का इंचार्ज मैनेजर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स तो हर डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होता है अब वो डिपार्टमेंट को हम नाम दे रहे हैं सेंटर और उसका जो इंचार्ज होता है उसको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको बोलते हैं ही इज द हेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यानी इज अ मैनेजर और हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अब उसको जो जिम्मेदारी दी है वो किस टाइप की दी है उस पर वो सेंटर डिपेंड उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है वो जिम्मेदारी पे डिसाइड क्या होगा कि वो कॉस्ट सेंटर है या रेवेन्यू सेंटर है एंड सो ऑन अब देखो घंटी बजने लगेगी धीरे से जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कॉस्ट को कंट्रोल करने की है जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कॉस्ट को कंट्रोल में रखने की है यानी उसका परफॉर्मेंस कैसे जज करेंगे आप खर्चा कितना लगना चाहिए था और कितना लगा इस बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस कंपैरिजन होने वाला है तो उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज का पूरा फोकस किस पर रहेगा कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे फोकस रहेगा बराबर है इसका मतलब वो डिपार्टमेंट हुआ कॉस्ट सेंटर क्योंकि उसका परफॉर्मेंस जज करने का जो क्राइटेरिया है वो कॉस्ट बेस्ड है कॉस्ट के बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस जज होने वाला यदि होगा तो वो हुआ कॉस्ट सेंटर तो जिस डिपार्टमेंट में सिर्फ खर्चे ही लगते रहते उनको आप क्या ट्रीट करो कॉस्ट सेंटर जिसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा लगता है प्रोडक्शन करने के लिए तो वो क्या हुआ कॉस्ट सेंटर रेवेन्यू सेंटर समझो ना जिम्मेदारी रेवेन्यू जनरेशन की है उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या है रेवेन्यू जनरेट करना कंपनी के लिए तो उसका परफॉर्मेंस कैसे जज करेंगे आप रेवेन्यू सेंटर का आपसे कितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था और कितना जनरेट किया इस बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा उस पर आपका बोनस डिपेंड करेगा यानी आपका जो डिपार्टमेंट है आप उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो तो यू आर इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू सेंटर बिकॉज यू मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर दी कंपनी नाम के अंदर मीनिंग छुपा है दोस्तों आपकी जिम्मेदारी क्या है मेन जिम्मेदारी क्या है रेवेन्यू जनरेशन की है तो आप रेवेन्यू सेंटर हो कॉस्ट को कम करने की है मिनिमाइज करने की है तो आप कॉस्ट सेंटर हो जैसे आपको टैक्सेशन में पढ़ाया होगा कि ये जो इनकम टैक्स वगैरह आता है इनकम टैक्स एक है और एक वो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है तो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में क्योंकि उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंट्री के लिए और उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में टू डिवीजन है एक डायरेक्ट टैक्स डिवीजन और एक इनडायरेक्ट टैक्स डिवीजन यानी ये डिवीजन की जिम्मेदारी डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करो और इसकी इनडायरेक्ट टैक्स से तो ये से, ये गवर्नमेंट के क्या हुए रेवेन्यू सेंटर्स और उसके उनका इंचार्ज ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नाम ही है उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज बोलते हैं उसको क्योंकि वो रेवेन्यू सेंटर है डिफेंस डिफेंस मिनिस्ट्री भी है डिफेंस मिनिस्ट्री कॉस्ट सेंटर है कॉस्ट सेंटर है डिफेंस पे खर्चा होता, कि होता है कि वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है खर्चा होता तो कॉस्ट सेंटर है ये मैं ये नहीं बोल रहा डिफेंस जरूरी नहीं है देश की सुरक्षा के लिए वो जरूरी है वो खर्चा करो अरे लेकिन वो खर्चे पे कंट्रोल तो करो कॉस्ट को कंट्रोल में रखो भाई लेकिन उस डिपार्टमेंट में सिर्फ खर्चा ही हो रहा है तो कॉस्ट सेंटर है।, इस से जनरेट हो रहा है तो यह रेवेन्यू सेंटर है और किसी डिपार्टमेंट में रेवेन्यू भी जनरेट होता है और खर्चा भी लगता है इन्हें आपको दोनों पे कंट्रोल करना है रेवेन्यू एंड कॉस्ट उसको आप बोलो प्रॉफिट सेंटर क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट तो उसका परफॉर्मेंस किस बेसिस पे जज होगा प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ाना हो तो आपको अपने आप ही क्या करना पड़ेगा रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और कॉस्ट कम करनी पड़ेगी दोनों अपने आप ही हो जाएंगे ना रेवेन्यू बढ़ाओ कॉस्ट कम करो तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट सेंटर ट्रीट करो उसको टारगेट दिए जाएंगे प्रॉफिट के कि आपके डिवीजन से डिपार्टमेंट से या आपके ब्रांच से हमको इतना प्रॉफिट चाहिए उसके इंचार्ज को इतना टारगेट दिया जाएगा जैसे बैंक्स की ब्रांचेस रीन अलग अलग सभी बैंकों की ब्रांचेस रहती ना वो हर ब्रांच क्या है प्रॉफिट सेंटर हर एक को क्या करना है प्रॉफिट कमा के देना है तो ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी रहती ये साल आपसे इतना प्रॉफिट होना तो प्रॉफिट होना है नहीं तो दोनों का ध्यान रख तेरे ब्रांच का रेवेन्यू भी संभाल तेरे ब्रांच की कॉस्ट भी संभाल क्योंकि उसका नेट रिजल्ट क्या आएगा प्रॉफिट तो उसको आप क्या ट्रीट करेंगे प्रॉफिट सेंटर तो टारगेट भी प्रॉफिट बेस दिए जाएंगे कि आपसे जैसे अगले साल हमको पांच करोड़ का प्रॉफिट होना आपने छ करोड़ कमा के दिया तो आपको शाबाशी दी जाएगी बोनस दिया जाएगा पांच करोड़ बोला था प्रॉफिट थ्री पॉइंट टू करोड़ ही हुआ आपका प्रॉफिट उसको धमकी दी जाएगी ऊपर से प्रेशर डाला जाएगा भैया ठीक से काम करो नहीं तो आप इधर रहेंगे नहीं अगले साल दिखेंगे नहीं एज अ ब्रांच मैनेजर क्योंकि आपने प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं किया उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्राइटेरिया क्या हो गया प्रॉफिट आपके ध्यान में आ रहा है कोई भी डिपार्टमेंट डिवीजन का परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्राइटेरिया यदि कॉस्ट बेस्ड है तो कॉस्ट सेंटर हुआ रेवेन्यू बेस्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्राइटेरिया है तो रेवेन्यू सेंटर हुआ प्रॉफिट बेस्ड यदि क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का तो वो प्रॉफिट सेंटर हुआ इसने उसको नाम क्या दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नाम दिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट सेंटर को जरा ध्यान से समझना क्योंकि प्रॉफिट सेंटर का अपडेटेड वर्जन इन्वेस्टमेंट सेंटर है इन्वेस्टमेंट सेंटर इज नो डाउट अ प्रॉफिट सेंटर लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इस डिवीजन या डिपार्टमेंट में आपका पैसा भी बहुत सारा इन्वेस्ट हुआ है लॉट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड तो आप इसको जो जिम्मेदारी देते हो प्रॉफिट कमाने की वो प्रॉफिट कमाने की जिम्मेदारी प्रॉफिट की फिगर में नहीं दी जाती कि एक करोड़ प्रॉफिट होना डेढ़ करोड़ होना दो करोड़ होना ऐसा नहीं बोलते उसको जिम्मेदारी दी जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस पे आपने वर्ड सुना आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने किसी ब्रांच इंचार्ज को आर की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको 20% परसेंट देना है मुझे 20% परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका क्या मतलब होता है कि आपके डिपार्टमेंट में दी 10 लाख ,00 इन्वेस्ट किया होगा मैंने तो 10 लाख ,00 इन्वेस्टमेंट पे 20 परसेंट आपको कमा के देना इसी मतलब होता है ना इसका 10 लाख ,00 पे 20 परसेंट है टू ,00 प्रॉफिट तो मैंने प्रॉफिट की फिगर नहीं बोली उसको उसको परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला है समझिए क्या तो आपने प्रॉफिट को किससे लिंक किया इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट इज लिंक टू इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो उस डिवीजन या डिपार्टमेंट को बुलाते इन्वेस्टमेंट सेंटर यानी एब्सोल्यूट फिगर नहीं बोलते प्रॉफिट की आरओआई में बोलते आप उसको आरओआई में टारगेट देते क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट डिपेंडेंट है यदि वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज बोलता है कि सर मेरे यहाँ की सब मशीनरीज आउटडेटेड हो गई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई मुझे एक दस लाख रुपए और दो फिर देखो मेरा परफॉर्मेंस तो आप क्या बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं दे दिए दस लाख रूपये ऑलरेडी हमने दस लाख इन्वेस्ट किए टेन लाख अभी तू और कितने मांग रहा है टेन लाख और तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी तेरी ट्वेंटी लाख तो तेरा प्रॉफिट का टारगेट फिगर में थोड़ी दिया जाता देखो ट्वेंटी लाख पे ट्वेंटी परसेंट कमा के देना है फोर लाख मंजूर हो तो ले पैसे यानी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज हुई तो प्रॉफिट की फिगर चेंज होगी भाई सो व्हेन योर प्रॉफिट टारगेट इज लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट थ्रू अ मेजरमेंट कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देन दैट सेंटर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट सेंटर इज दिस क्लियर इसमें से अपने को थोड़ा सा इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है किसको कॉस्ट सेंटर को इससे काम ज्यादा पढ़ने वाला अपना बाकी से काम आपका वैसे फाइनल में ज्यादा पड़ेगा तो कॉस्ट सेंटर को थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूं कॉस्ट सेंटर के बारे में लिखा हुआ है ये कभी कभी थे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट पूछ लेती है पहले टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं अ सेंटर फॉर विच अ स्टैंडर्ड और बजेटेड अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज प्री डिटर्मिंड एंड यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल जो लिखा है उसको इंग्लिश में लिखा है मैं? अरे भाई कॉस्ट सेंटर की जिम्मेदारी कॉस्ट को कंट्रोल में करने की है ना तो आप उसको कॉस्ट का टारगेट देंगे बजेटेड कॉस्ट इतनी या स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी और उसको कंपेयर किससे करेंगे एक्चुअल से कल ही तो बताया आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही करते और इसमें वेरिएशन आया तो उसको वेरिएंस बोलते हैं जिसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसकी जिम्मेदारी किस बेसिस पे डिसाइड होगी ये एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी बजेटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट तो इससे उसका परफॉर्मेंस जज होने वाला है यानी वो क्या हुआ कॉस्ट सेंटर और ये आप कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल के लिए कंट्रोल के लिए तो चल रहा है तो वो कॉस्ट सेंटर हुआ अब कॉस्ट सेंटर दो टाइप के रहते है पहले डिस्कस कर लेते दूसरा भी बता दू पहले और एक दूसरा है डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी सेंटर सेंटर एक और एक स्टैंडर्ड और तो मैं पहले वाले क्लियर एंड मेजरेबल ऑल्सो हेंस दिस कॉस्ट सेंटर्स आर यूज फॉर वेरिएंस एनालिसिस है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जहां आप स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल करके वेरिएशन देखते और उसके लिए इसको जिम्मेदार ठहराते तो वो जो वेरियंस एनालिसिस करते हैं वो हम ये स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर के लिए करते सो इट इज यूज फॉर वेरियंस एनालिसिस पर्पज इन द मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स कॉस्ट वेरियंस एडवर्स कॉस्ट वेरियंस है नहीं? actual cost स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा लगी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी टेन लाख एक्चुअल कॉस्ट लग गई ट्वेल्व लाख तो दो लाख ज्यादा लगी कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो प्रॉफिट कम होगा प्रॉफिट कम होगा इसलिए वो जो वेरिएशन आया ना दो लाख का उस दो लाख के वेरिएशन को क्या बोलाते एडवर्स वेरियंस और एडवर्स हुआ ना परफॉर्मेंस और ये टेन लाख कॉस्ट लगनी चाहिए थी और नाइन लाख लगी एक लाख रुपए बचे ना अभी भी डिफरेंस है एक लाख का डिफरेंस को बुलाते वेरियंस लेकिन ये वेरियंस क्या हुआ फेवरेबल क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करके या तो डिफरेंस जो आएगा वो या तो एडवर्स आएगा यानी आप, आपके हित का नहीं है एडवर्स वेरिएंस से आपका प्रॉफिट कम होगा और फेवरेबल वेरिएशन है तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो एडवर्स वेरिएंस के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार रहेगा क्योंकि कॉस्ट सेंटर का इंचार्ज है ऐसे कॉस्ट सेंटर को बुलाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर अभी जो लिखा था डेफिनेशन में इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज क्लियर एंड मेजरेबल का क्या मतलब है वो क्लियर एंड मेजरेबल का मतलब है भाई आप इतने यूनिट बनाएंगे आउटपुट तो इतना इनपुट या इतना खर्चा लगेगा ये जहां मेजर कर सकते कि इतने के लिए इतना खर्चा लगेगा और इतने के लिए इतना ये रिलेशनशिप जहां क्लियर है उस कॉस्ट सेंटर को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर मेनली इसमें आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मेनली इसमें क्या आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्योंकि वहां का जो खर्चा है वो प्रोडक्शन से लिंक कर सकते आप इनपुट का मतलब इनपुट में मटेरियल लगेगा लेबर लगेगा मशीनरी यानी कॉस्ट लगेगी इनपुट और आउटपुट क्या मिलेगा फिनिश गुड्स तो ये खर्चा और फिनिश गुड्स का आप को रिलेशन कर सकते हैं इतने आउटपुट के लिए इतना खर्चा लगना चाहिए था समझो इतने आउटपुट के लिए दस लाख लगना चाहिए था तो फिर इतने ही आउटपुट के लिए बारह लाख क्यों लगा क्योंकि ये काम दस लाख में हो जाना चाहिए था ऐसा रिलेशनशिप क्लियर है कि इतने काम के लिए इतना ही खर्चा लगना चाहिए था ये जहां पॉसिबल है कैलकुलेट करना पॉसिबल है कि इतने काम के लिए इतने आउटपुट के लिए इतना खर्चा लगना चाहिए था फिर ज्यादा क्यों लग रहा है तुम जिम्मेदार हो फिर तो ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मेजरेबल होनी चाहिए अरे दूसरा एग्जाम्पल ले लो मुझे पचास डेज बेंच का ऑर्डर मिला समझो पचास डेज बेंच के लिए ट्वेंटी प्लाईवुड शीट्स लगनी चाहिए थी अरे पता है ना साइज हर एक की और इतनी शीट्स में इतने बेंचेस बनने चाहिए तो जब 50 डेज बेंच के ऑर्डर के लिए 20 शीट्स का इनपुट लगना चाहिए था फिर 22 टू ट्वेंटी टू शीट क्यों लगी भाई क्यों लगी तुम जिम्मेदार हो उसके लिए क्योंकि रिलेशनशिप डायरेक्ट है मेजरेबल है कि इतने आउटपुट के लिए इतना इनपुट ही लगना चाहिए था ज्यादा लगा तो तुम जिम्मेदार हो और कम में काम कर दिया तो शाबासी वेस्टेज बचा ऐसे कॉस्ट सेंटर को क्या बुलाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर जहां ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मेजरेबल है एक्चुअली इसी को इसी के लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं वो इसी के लिए यूज करते किसको? Standard cost center, relationship, measurable. Question, हैं किसको स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर जहां इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मेजरेबल इस पर क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है हैं हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में लिया अब ये वाला लेते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर यानी नॉन स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर ये नॉन स्टैंडर्ड को क्या बोलाते हैं डिस्क्रिशनरी दोस्तों ऐसे कुछ कॉस्ट सेंटर से जहां खर्चा तो लगता है लेकिन इतने खर्चे में इतना आउटपुट आना चाहिए था ये रिलेशनशिप नहीं लगती या इतने आउटपुट के लिए इतना ही खर्चा लगना चाहिए था ऐसी रिलेशनशिप नहीं मिलती यानी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज मिसिंग लेकिन खर्चा तो लगता है लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं लगती ऐसे को बुलाते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर देखो क्या लिखा है इट इज अ कॉस्ट सेंटर वेयर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज नॉट क्लियर एंड द आउटपुट इज नॉट मेजरेबल एक्चुअली उसका आउटपुट ही मेजरेबल नहीं है आप बोलेंगे ऐसे कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल देख लो हज द एक्चुअल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद बजेटेड कॉस्ट वो आपसे कंपेयर करता हूं मैं फॉर एन एक्टिविटी इसमें कंपैरिजन का तरीका दूसरा जैसे एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड सो ऑन ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में खर्चा लगता होगा कॉस्ट तो लग रही है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कॉस्ट लगती है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में कॉस्ट लगती है लेकिन आप बोल सकते क्या इतने खर्चे में इतना आउटपुट मिला इनका आउटपुट ही मेजरेबल नहीं है पहली बात अरे डिपार्टमेंट का आउटपुट मेजरेबल नहीं है ना आप अकाउंटेंट को क्या बोलेगे क्या काम किया तूने तो ऐसा काउंटिंग करके देगा कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस ऐसा कुछ मेजरेबल ही नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आउटपुट मेजर कर सकते इनके आउटपुट मेजरेबल नहीं है तो आप उस आउटपुट से उसका खर्चे का रिलेशन लगा ही नहीं सकते उधर का उनका नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है इंटेंजिबल टाइप का काम है मेजरेबल काम नहीं है आउटपुट मेजरेबल ही नहीं है ना तो आप इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ही कैसे लगाएंगे जब आउटपुट ही नहीं है उधर मेजरेबल तो लेकिन खर्चे तो लगते हैं और खर्चे पे कंट्रोल करना जरूरी है कॉस्ट कॉस्ट सेंटर सेंटर तो है है वो सेंटर है, लेकिन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मिसिंग है तो इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं लगता फिर क्या करते वो पूरे डिपार्टमेंट का सिर्फ बजट बनता है खर्चे का बजट उसको बोलते हैं बजेटेड कॉस्ट और बजेटेड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करके थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को और जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर देखा था उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेज एक्चुअल कॉस्ट और यहां यूज होती है टेक्निक बजेटेड कॉस्ट वर्सेज एक्चुअल कॉस्ट क्योंकि यहां का आउटपुट मेजरेबल नहीं है अब आपके दिमाग में क्या होगा इसमें फर्क है इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना अलग चीज है और बजेटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना अलग चीज है लेकिन अभी नहीं आएगा ध्यान में इसको रहने दो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आने वाला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं आपको ये सब दोनों कंपैरिजन करके दिखाऊंगा स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल भी और बजट विथ एक्चुअल ये सब होने वाला है बहुत डिटेल में अभी भेजे में जाएगा नहीं सिर्फ इतना ही ध्यान रखो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर होती है और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर में बजटेड कॉस्ट विथ एक्चुअल कॉस्ट यूज होती है क्योंकि इसका आउटपुट मेजरेबल नहीं है तो जो भी डिपार्टमेंट का आउटपुट मेजरेबल नहीं है लेकिन खर्चे पे कंट्रोल रखना है उसको ये वाला कॉस्ट सेंटर ट्रीट करेंगे कॉस्ट यूनिट वर्ड पे जा रहे हम कॉस्ट यूनिट एक कॉन्सेप्ट है इट इज द यूनिट इन विच कॉस्ट इज मेजर्ड धीरे 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 बताता हूं पहले आपको थोड़ा सा जोर देता हूं इधर सोचने पे फिर आगे बता दूंगा तो सब समझ में आ जाएंगे आपको जैसे मैंने एक सेंटेंस बोल दिया ऐसे। माय कॉस्ट इज रुपीज थाउजेंड एक सेंटेंस बोला मैंने क्या बोला माय कॉस्ट इज रुपीज थाउजेंड क्या समझ में आपके आपको मेरी राकेश अग्रवाल इज अवेलेबल फॉर सेल थाउजेंड माय कॉस्ट इज थाउजेंड बोला मैंने काय की? तो यहां हाँ बोल 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 हाँ, ये सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है बराबर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट वो इनकम्प्लीट है उसमें जो मिसिंग है उसका नाम कॉस्ट यूनिट है वो जो मिसिंग था ना किसकी थाउजेंड रुपीज कॉस्ट किसकी वो तो बोलो वो यूनिट है जिसमें वो कॉस्ट मेजर होगी भैया तो मुझे बोलना था कि बाई कॉस्ट इज रुपीज थाउजेंड पर सेट ऑफ प्रिंटेड नोट्स या yeah. मैंने बोला माई कॉस्ट इज एटीन थाउजेंड तो मैंने बोलना चाहिए था माई कॉस्ट इज एटीन थाउजेंड पर हैंडसेट प्रोड्यूस्ड यदि मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप वो जो कॉस्ट निकालते हो वो किसकी कॉस्ट है वो यूनिट बोलो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट को एक्सप्रेस करने का सबसे छोटा वाला यूनिट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट मैं आता हूं उस पर कि सबसे छोटा लेने क्या थोड़ी देर में इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस आप जब भी कॉस्ट को एक्सप्रेस करेंगे तो उसको कॉस्ट पर जो यूनिट बोलेंगे वो यूनिट इज कॉस्ट यूनिट एग्जाम्पल के ले लेते शुगर फैक्ट्री जहां शक्कर बनती है शुगर फैक्ट्री वाला यदि कॉस्ट निकालना चाहे तो शायद वो निकालेगा कॉस्ट पर टन ऑफ शुगर क्योंकि फैक्ट्री लेवल पे शायद उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा अ टन वन टन यानी कितने के जी है क्या? वन टन इज कुछ लोगों ने बारा बोला थाउजेंड के जी करेक्ट वन टन इज वन थाउजेंड के जी तो मैन्युफैक्चरर कॉस्ट एक्सप्रेस करेगा माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज एक्स वाई जेड या जो भी है पर टन ये जो टन बोला ना उसने पर टन कॉस्ट इज दिस मच पर टन ये कॉस्ट यूनिट हुआ उसके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट अ टन होलसेलर जो शक्कर बेचता है उसके लिए कॉस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट कॉस्ट यूनिट हो सकता है पर क्विंटल एक क्विंटल बराबर हंड्रेड के जी वो शक्कर की जो बोरी आती है ना हंड्रेड के जी की आती है एक, एक तो होलसेलर कॉस्ट कैलकुलेट करेगा शायद कॉस्ट पर क्विंटल तो उसके लिए कॉस्ट यूनिट हुआ अ क्विंटल रिटेलर दुकान वाला जो शक्कर जिससे अपन खरीद के लाते पाओ किलो आधा किलो एक किलो वो शायद कॉस्ट मेजर करेगा कॉस्ट पर के जी कॉस्ट पर किलो वन के जी तो उसके लिए स्मॉलेस्ट कॉस्ट यूनिट क्या हो गया के जी तो स्मॉलेस्ट कॉस्ट यूनिट हर एक का अलग अलग हो सकता है एक के लिए के जी एक के लिए क्विंटल एक के लिए टन लेकिन वो कॉस्ट एक्सप्रेस कर रहा है कॉस्ट पर के जी वो कॉस्ट एक्सप्रेस करे पर के जी नहीं बोले तो शायद मीनिंग पूरा नहीं निकलेगा तो कॉस्ट पर के जी कॉस्ट पर क्विंटल कॉस्ट पर टन तो ये के जी क्विंटल टन ये क्या है कॉस्ट यूनिट कॉस्ट यूनिट एड किए बगैर उसका मीनिंग ही पूरा नहीं होगा सो कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन कॉस्ट यूनिट अब ये जो गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी भी कॉस्ट यूनिट्स हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके भी कॉस्ट यूनिट्स हैं उसकी थोड़ी झलक दिखाऊंगा आपको तो ये तो एग्जांपल हो गया किलोमीटर किलोग्राम किलो यानी केजी कपड़ा यदि मैन्युफैक्चर होता है तो मीटर राइट कपड़े के लिए आप मीटर यूज कर सकते हैं, केबल के लिए भी मीटर यूज कर सकते हैं, केबल मैन्युफैक्चरिंग। लिक्विड रहा तो लीटर जैसे मिल्क हुआ वाटर हुआ पर लीटर या पर किलो लीटर भी किलो लीटर थाउजेंड लीटर क्यूबिक फीट, वुड इज जनरली काउंटेड इन क्यूबिक फीट, गैस इज ऑल्सो काउंटेड इन क्यूबिक फीट इंडस्ट्रियल गैसेज जो लगती है क्यूबिक फीट मे भी काउंट होता है फिर मैंने यहां लिखा है टन किलोमीटर हा एक वर्ड है वो क्या है टन किलोमीटर एक है हा दो नहीं है एक रूम डे और ये इंटरेस्टिंग है टन और किलोमीटर साथ में दो दो यूनिट इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट जब आप दो दो कॉस्ट यूनिट एक साथ यूज करते हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट या कंबाइंड कॉस्ट यूनिट इंटरेस्टिंग है समझना उसको टन और किलोमीटर अलग अलग नहीं साथ में रूम डे उसमें दो यूनिट एक रूम और एक डे दोनों को एक साथ रूम डे तो उसको बोलते कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट या कंबाइंड कॉस्ट यूनिट ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज होते हैं जनरली सर्विस इंडस्ट्री में कहा यूज होते सर्विस इंडस्ट्री में और अपना एक चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग का जब डिटेल मुलाकात होगी ना सर्विस कॉस्टिंग से तब ये कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट बहुत यूज करने पड़ेंगे आपको अलग अलग सर्विस इंडस्ट्री में अलग अलग कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जनरली सिंगल यूनिट यूज होता है कॉस्ट यूनिट यानी के जी लीटर मीटर सिंगल हुआ दो दो साथ में जब यूज होते हैं वो जनरली कहां यूज होते हैं सर्विस इंडस्ट्री में उसका मीनिंग थोड़ा समझा दू टन किलोमीटर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी जो गुड्स लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह या कुरियर ले लो आप या गुड्स ट्रांसपोर्ट ले लो ट्रक सर्विस जो दे रहा है आपको वो जो आपसे पैसे लेता है ना वो दो चीज पर डिपेंड करते हैं उसके पैसे आप जो चार्जेस उसको देते हो फ्रेट चार्जेस एक तो आपने जो सामान उसको दिया ट्रांसपोर्टर को उसका वेट कितना है इस पर खर्चा डिपेंड करता है उसका और दूसरा वो सामान कितने डिस्टेंस ले जाना है दो चीज पे डिपेंड करता है अच्छा कुरियर वाले को देखे देखो आपने कुरियर लोकल का दिया पुणे टू पुणे डिलीवरी चार्जेस कम पुणे टू कश्मीर चार्जेस ज्यादा पुणे टू यूएस चार्जेस ज्यादा पे डिपेंडेंट है डिस्टेंस अच्छा एक एनवलप दिया सिर्फ छोटा सा बीस ग्राम का तो रेट अलग दो किलो का पार्सल दे दिया रेट अलग दो टन दे दिया रेट अलग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दो चीजों पर डिपेंडेंट है वेट और डिस्टेंस दोस्तों टन इज यूज फॉर वेट किलोमीटर इज यूज फॉर डिस्टेंस क्योंकि दो चीज पर खर्चा डिपेंडेंट है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ऐसा निकाला जाता है थोड़ा सा और बता देता हूं फिर सर्विस कॉस्टिंग में तो पड़ना ही है जैसे एक ट्रक ट्रक की सर्विस ऐसे मेजर की जाती है ट्रांसपोर्ट की एक ट्रक ने टन गुड्स लेके गया वो एक ट्रक फाइव टन गुड्स लेके जा रहा है और उसने हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इनको मल्टीप्लाई करते टन हंड्रेड so तो करेंगे आप तो फाइव हंड्रेड तो हो ही जाएगा। अब समझो ये फाइव टन इंटू हंड्रेड टन रहता टन रहता तो हम क्या लिखते हैं फाइव हंड्रेड टन स्क्वेर लिखते ना टन इंटू टन अब ये टन इंटू किलोमीटर है तो फाइव इंटू हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड हो गया लेकिन इसको बुलाते हैं फाइव हंड्रेड टन किलोमीटर समझे सर्विस को काउंट ऐसे करेंगे फाइव हंड्रेड टन किलोमीटर सर्विस दी दो दो कॉस्ट यूनिट यूज हुए इसमें टन और इंटू किलोमीटर चलो फिर यहां तक और ले आता हूं सपोज इसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा ये जो गुड्स लेके ना टन गुड्स किलोमीटर तक तो सर्विस कितनी दी फाइव हंड्रेड टन किलोमीटर इसकी कॉस्ट लगी आपको ट्रांसपोर्टेशन की समझो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीजेंटी थाउजेंड रुपीज खर्चे में सर्विस कितनी दी आपने फाइव हंड्रेड टन किलोमीटर कैलकुलेटर है ना ऊपर ये कॉस्ट को टू ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज कॉस्ट को फाइव हंड्रेड टन किलोमीटर से डिवाइड करो फोर्टी आया हम्म मैं यहां लिख रहा हूं ये कॉस्ट आई रुपीज फोर्टी पर टन किलोमीटर बराबर है क्या ऐसे ही ना आप जिससे डिवाइड किया कॉस्ट इज फोर्टी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर तो कॉस्ट आई पर टन किलोमीटर इसका मीनिंग होता है फोर्टी रुपीज पर टन किलोमीटर का मीनिंग होता है कि पर टन पर किलोमीटर टन किलोमीटर का मतलब होता है पर टन पर किलोमीटर एक टन गुड्स को एक किलोमीटर डिस्टेंस ले जाने का खर्चा चालीस रुपए कुछ समझा एक टन गुड्स को एक किलोमीटर डिस्टेंस तक ले जाने का खर्चा चालीस रुपए तो फोर्टी रुपीज इज पर टन किलोमीटर यानी पर टन पर किलोमीटर ऐसे सर्विस इंडस्ट्री में बहुत यूज करना है हमको तो ये टन किलोमीटर जो कॉस्ट यूनिट था ना वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का था गुड्स ट्रांसपोर्ट का डे किसका होना चाहिए सोचो आपने करेक्ट बोला दोनों होटेल ने होटल इंडस्ट्री होटल रेस्टोरेंट नहीं है ये वाला रेस्टोरेंट नहीं लॉजिंग रहने की व्यवस्था रहती है अकोमोडेशन आप कोई भी होटल में उनका रेट पूछोगे कि हमको एसी रूम चाहिए तो रेट बताते समय बताया सब जो उसने एसी रूम का रेट बचाया बताया रूपीज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का मतलब होता है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर रूम पर डे वो बाय डिफॉल्ट होटल इंडस्ट्री में रूम डे ही है वो. तो जब आपको रेवेन्यू आपसे जो चार्जेस लेगा वो पर रूम पर डे वाइज लेगा पर रूम पर डे का मतलब ही पर रूम डे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर रूम डे ये बोलने के लिए मीनिंग पर रूम पर डे एक रूम का एक दिन का किराया है चार हजार पांच सौ तो उसको कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी पर रूम पर डे क्योंकि आपसे रेवेन्यू भी ले रहा है पर रूम पर डे कॉस्ट पर रूम पर डे दोनों का डिफरेंस आएगा या प्रॉफिट या लॉस पर रूम पर डे ये होटल इंडस्ट्री में यूज होने वाली यूनिट है तो जब कंबाइन यूनिट यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट जनरली ये यूज होते हैं सर्विस इंडस्ट्री में एक काम करो दोस्तों मेजोरिटी लोग के पास तो नोट से वन पॉइंट सेवन पेज निकाल लो मैं भी मेरे इस पर लगा देता हूं एक कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं वो पढ़ इसलिए लो इस पर वो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन आते हैं राइट तो मैं देखता हूं इस पे 1.7 पेज कहाँ है ऊपर गया ये एक बार पढ़ लो स्क्रीन पे से या आपके पास नोट से उस पे से अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस के अलग अलग कॉस्ट यूनिट्स दिए हुए हैं एक नजर घुमा दी क्या पढ़ लिया हुँ? चार कॉलम है पहला कॉलम दूसरा कॉलम पढ़ने का साथ में फिर तीसरे के साथ चौथा पढ़ने का इंडस्ट्री या प्रोडक्ट और उसका कॉस्ट यूनिट जो जनरली यूज होते हैं इसकी लिस्ट अन एंडिंग है हर इंडस्ट्री का अलग अलग कॉस्ट यूनिट होता है आपका जैसे और मैंने बताया वो डिपेंड भी करते हैं जैसे शुगर को ही गिनने के लिए शुगर फैक्ट्री वाला टन यूज करेगा होलसेलर क्विंटल यूज करेगा तो रिटेलर के जी यूज कर सकता है तो सब अपने जगह पर बराबर है राइट right? आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें आप कॉस्ट एक्सप्रेस करते हो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स या कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस वो आपका कॉस्ट यूनिट हुआ हॉस्पिटल में देखा आपने day, पर पेशेंट डे यानी पर पेशेंट पर डे ऐसा पर पेशेंट डे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर किलोमीटर यानी पर पैसेंजर पर किलोमीटर इस टाइप से चले आगे एक नजर घुमा दी इस पर वैसे आपके नोट्स में है ही वो कोई प्रॉब्लम नहीं अब कुछ और भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिस्कशन हुआ था शायद अपना अब जरा टेक्निकल देख लेते जिसकी कॉस्ट निकालना है उसको हम बुलाते कॉस्ट ऑब्जेक्ट बुक इज डेफिनेशन कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड यानी जिसकी कॉस्ट आपको मेजर करना है जिसकी कॉस्ट आपको निकालना है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट में प्रोडक्ट और अ सर्विस ये तो सबसे प्रोमिनेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिनके हम मेजोरिटी अ सर्विस फिर इट कुड बी अ प्रोजेक्ट आईटी इंडस्ट्री में बोलते हैं ना ये प्रोजेक्ट पे काम चालू तो इस प्रोजेक्ट का खर्चा कितना लगा इट कुड बी अ प्रोजेक्ट इट कुड बी अ कस्टमर किसी को कस्टमर की वाइज कॉस्ट निकालने की इस कस्टमर पे मेरा कितना खर्चा हुआ तो आप वैसे भी निकाल सकते तो आपके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया कस्टमर जैसे भी आपको जो ट्रीट कर रहा है राइट जैसे बैंक निकालेगी हर कस्टमर पे खर्चा कितना लग रहा है हमारा आपको यदि कस्टमर वाइज कॉस्ट निकालना तो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट कस्टमर हो गया ऐसा आपको एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालना तो आपके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना तो आपके लिए एक प्रोडक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपको किसकी निकालना है कॉस्ट उस पर डिपेंड करता है वो इट कुलर इट एन एक्टिविटी कोई एक एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो उस पर खर्चा कितना लगा राइट right? वो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसमें एक्टिविटी वाइज कॉस्ट निकाली जाती है वो पढ़ेंगे आप अभी सिर्फ सुन लो हर एक्टिविटी पे कितना खर्चा लगा तो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालना है आपको कि उस परचेस डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हुआ मेरा सेल्स डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हुआ तो आपको ऑब्जेक्टिव है कि उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालना है तो आपके लिए डिपार्टमेंट क्या बन गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालना है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है किसकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है सिंपल रिप्लेसमेंट कॉस्ट नाम के अंदर ही मीनिंग है इट इज द करंट कॉस्ट हा करंट कॉस्ट यानी लेटेस्ट ऑफ रिप्लेसिंग आइदर एन अ और मटेरियल एग्जाम्पल से समझते <coughs> समझो ये मोबाइल अब मुझे याद तो नहीं है जब खरीदा था समझो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का था ऐसा अज्यूम करो जब खरीदा था तो योगी हो होगी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट ये समझो मोबाइल पानी में चला गया स्नान कर लिया उसने पता है ना क्या होता है उससे हो गया इसका बैंड बज गया फेंक देने का इसको रिपेयर नहीं होता जल्... जनरली जल्दी से तो समझो खराब खराबी हो गया पूरा ही गया अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा मोबाइल तो चाहिए तो डिक्टो तो सेम कंपनी का सेम मॉडल मैं आज खरीदने गया मार्केट में तो कितने का मिलेगा इसको रिप्लेस करना है मुझे इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब भी मार्केट में जाके इसको खरीद के लाना है क्योंकि खराब हो गया है अब जनरली मोबाइल की यदि बात करूं तो सस्ते हो जाते हो क्योंकि मॉडल पुराना हो जाता है समझे ना जनरली यही वाला आइटम खरीदने जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक में सस्ता मिलता है और वही सब्जी वेजिटेबल्स रहे बिल्डिंग रही मकान रहे तो वो महंगे होते जाते तो समझो अभी ये वाला मॉडल अवेलेबल है फिफ्टीन थाउजेंड में कितने में फिफ्टीन थाउजेंड तो मैं बोलूंगा इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज फिफ्टीन थाउजेंड ये एग्जिस्टिंग असेट को रिप्लेस करने के लिए कितना खर्चा लगेगा करंट यानी अभी कितना लगेगा फिफ्टीन थाउजेंड मिस आई कैन रिप्लेस दिस असेट फॉर फिफ्टीन थाउजेंड तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट फिफ्टीन थाउजेंड आपको लगता है कि बहुत इसे रटने वाला मैटर है थोड़ा सा लॉजिकली समझ लो तो हो जाएगा तो ये असेट को रिप्लेस किया अब मटेरियल ले लेते हैं रॉ मटेरियल मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ मुझे प्लाईवुड लगते ही रहता फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में मैंने प्लाईवुड की शीट खरीद के लाया था एक फोर बाय सिक्स की प्लाईवुड शीट खरीद के लाया था टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड की कितने में टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी वो खरीद के लाया था वो यूज हो गई कुछ काम आया कस्टमर का उसमें यूज हो गई अब यूज हो गई तो नया खरीदना पड़ेगा ना वाला प्लाईवुड नया खरीद के लाना पड़ेगा ना ये प्लाईवुड को दूसरे से रिप्लेस करना पड़ेगा आज खरीदने गया तो वो रेट बोल रहा है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड वही प्लाईवुड की शीट उतनी ही थिकनेस वाली अब ये प्लाईवुड मेरे लिए क्या है मटेरियल रॉ मटेरियल फर्नीचर बनाने में इस मटेरियल को आज रिप्लेस करने जाऊं तो कितने में रिप्लेस होगा टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड में तो थाउजेंड सेवन हंड्रेड इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल करंट कॉस्ट आज कितना खर्चा लगेगा उसको दूसरे से रिप्लेस करने में दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिंपल वर्ड के अंदर मीनिंग छुपे संक कॉस्ट संक क्या डूब गया बारिश के दिन में कुछ लोग जाते हैं तालाब विलाब में स्विमिंग आता नहीं तो भी घुस जाते सारे इंसिडेंट्स होते हैं। पेपर में रिपोर्ट आते पता नहीं रहता जोश जोश में घुस जाते तो जरा जा डेफ देख के जाना और डूब भी जाते लोग जाने दो अपन गलत जगह चले गए अपने को कॉस्ट को सं करना है जो खर्चा लगा और वो पैसे डूब गए बस वो है। क्या है मुझे ये बोलो खर्चा लगने के पहले डूब सकता है क्या फ्यूचर कॉस्ट डूब गई ऐसा बोल सकते क्या आप तो जो खर्चा लगे नहीं वो डूबेगा कहां से तो फर्स्ट ऑफ ऑल सन कॉस्ट इज ऑलवेज हिस्टोरिकल यानी पास्ट सन कॉस्ट नॉट बी फ्यूचर सन कॉस्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू पास्ट पैसा लग चुका और अब कुछ काम का नहीं रहा तो उसको हम बोलते पैसे डूब गए बोलते हैं ना बस वही कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट सन कॉस्ट एक्चुअली इट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग के लिए वो इेलीवेंट हो जाती है क्योंकि अब आप कुछ भी डिसीजन लो पैसे तो जा चुके हैं नॉन रिफंडेबल है एक एग्जाम्पल ले लें समझने के लिए संकॉस्ट का मैं सीए क ही लूंगा हुँ? और उसको इरेलीवेंट क्यों बोलते हैं वो भी बता दूंगा आपको आपकी दोनों ग्रुप की कोचिंग हो गई है ऐसा अज्यूम करो पूरी तैयारी हो गई है उसके बाद एक काम और करना पड़ता है एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता हाँ ये प्रोसीजर है फाउंडेशन का तो भर चुके आप इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा तभी एग्जाम दे पाएंगे तो इंस्टीट्यूट की फीस भरनी पड़ेगी कोई डिस्काउंट विस्काउंट मिलता नहीं उसमें आपने दोनों ग्रुप की तैयारी की है क्योंकि आपको मेरिट में आना है पता है ना मेरिट में आना हो तो दोनों ग्रुप साथ में देने पड़ते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट भी मिलता है पता है ना आपको दोनों ग्रुप साथ में देने का फायदा है तो दोनों ग्रुप की आपने एग्जाम फीस भर दी अब मुझे अभी नहीं पता कितनी है लेकिन अज्यूम कर रहे हैं अपन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ग्रुप वन ग्रुप टू साथ में देने वाले एग्जाम फीस भर दिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये काम करीबन एग्जाम के दो महीने पहले होता है करीब करीब दो महीने पहले वो एग्जाम फॉर्म भरते हैं अभी दो हजार पांच सौ रुपए आपने भर दिए द मोमेंट यू पे दैट मनी अब आप एग्जाम दो या मत दो आपको लगता पैसे कैरी फॉरवर्ड होते या रिफंड मिलते कुछ भी नहीं मिलते द मोमेंट यू पे दैट मनी इट इज अ संक कॉस्ट नाउ अब आपके सामने चार डिसीजन है ये चारों डिसीजन का अब इस खर्चे से कोई लेना देना नहीं बचा है क्योंकि वो पैसे डूब चुके अब चार डिसीजन कौन से आपके सामने क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है ना डिसीजन चेंज होने लगता आपने क्या सोच के दोनों ग्रुप की फीस भरी थी दोनों ग्रुप देंगे ये सोच के भरी थी ना एग्जाम पास में आने लग लगी कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगे आपका नहीं होना चाहिए ऐसा लेकिन ऐसा जनरली होता है स्टूडेंट्स के साथ अब वो सोच रहा है अब दोनों ग्रुप के पैसे भरे तो दे ही देता दोनों ग्रुप डिसीजन नंबर वन दूसरा नहीं नहीं यार तैयारी अच्छे से तो हुई नहीं और मुझे तो मेरिट में आना है और मेरिट में आना तो दोनों ग्रुप साथ में देने पड़ेंगे और तैयारी अच्छे से हुई नहीं है तो एक काम करता अभी नहीं देता एग्जाम अगली बार अच्छे से तैयारी करके अगली बार दोनों ग्रुप दूंगा डिसीजन नंबर टू डिसीजन नंबर थ्री नहीं ग्रुप वन की जरा अच्छी तैयारी हुई तो ग्रुप वन सिर्फ देता और डिसीजन नंबर फोर नहीं नहीं ग्रुप टू जरा इजी लग रहा है मुझे उसकी तैयारी अच्छी हुई सिर्फ ग्रुप टू देता आपके सामने चार ऑप्शन है दोनों ग्रुप देता दोनों अभी नहीं देता अगली बार तैयारी करके दूंगा सिर्फ ग्रुप वन देता सिर्फ ग्रुप टू देता ये चारों डिसीजन में उस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का क्या होगा उस पर फर्क पड़ने वाला है क्या क्यों डूब चुके हो पैसे अब आप कुछ भी ले लो चारों में से वो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड गए वो संग कॉस्ट है इसका मतलब ही वो कॉस्ट डिपेंडेंट है क्या आप नहीं ना ये कॉस्ट और इस डिसीजन का आप कोई लेना देना नहीं बचा अभी कोई भी ले लो आप निर्णय वो लग रहे हैं लग चुके इसीलिए वो कॉस्ट इस डिसीजन के लिए क्या हो गई इलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग सो संक कॉस्ट आर ऑलवेज इरेवेंट यानी इेलिवेंट कॉस्ट का एक एग्जांपल और मिल गया आपको कौन सा संक कॉस्ट इज आल्सो इेलिवेंट कॉस्ट शट डाउन कॉस्ट ये लगने वाली किसी चैप्टर में बाद में शट डाउन कॉस्ट उसमें वैसे मीनिंग लिखा है मैंने अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इसको समझो काम की चीज है शट डाउन यानी दुकान का शटर डाउन वही मीनिंग है यानी आपका जो भी बिजनेस है उसका शटर आपने टेम्पररीली डाउन कर दिया टेम्पररी लिया परमानेंट नहीं टेम्पररी शटर डाउन यानी एक्टिविटी बंद एक्टिविटीज क्लोज ऑर्गेनाइजेशन इज अ लाइक आप समझो क्या बोल रहा हूं मैं आपकी कंपनी है जिंदा है कंपनी को वाइंडिंग अप किया नहीं आपने लिक्विडेशन ऑफ आप कंपनी बताऊंगा आपको लिक्विडेशन है पूरा बंद परमानेंट परमानेंट क्लोजर नहीं टेम्पररी क्लोजर ऑफ आप बिजनेस आपको लग रहा है अभी थोड़ा मार्केट में कंडीशन ठीक नहीं चल रही थोड़े दिन जरा काम बंद कर देते जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर से शटर खोल देंगे शटर खोल देंगे नहीं काम चालू कर देंगे अभी थोड़ी देर के लिए काम बंद कर दो ऐसा तो शटर डाउन करने के बाद भी कुछ खर्चे लगते रहेंगे टेंपोररी क्लोजर ऑफ बिजनेस करने के बाद भी कुछ खर्चे तो लगते ही रहेंगे जो खर्चे शटर डाउन करने के बाद यानी टेंपोररी क्लोजर ऑफ बिजनेस के बाद भी लगते हैं वो खर्चे को कॉस्ट को हम बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इवन वेन द शटर्स आर डाउन इज कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट प्लीज रिपीट आई सेड वेन द बिजनेस इज टेम्पररीली क्लोज परमानेंटली क्लोज करते तो फिर खर्चा नहीं लगेगा बिजनेस ही नहीं रहेगा तो खर्चा भी नहीं रहेगा मैं बोल रहा हूँ टेम्पररीली डाउन जैसे हमने सोचा कि भाई यार स्टूडेंट कम आते आजकल तो थोड़ी देर के लिए अकेडमी बंद कर दो एक छह महीने के लिए परमानेंट क्लोज नहीं छह महीने के लिए कोई क्लास नहीं डिसीजन लेने के बाद भी कुछ खर्चे लग रहे होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है वो खर्चे को आप बुलाएंगे शटडाउन का जैसे रेंट यदि तो आपको से छोड़ना नहीं है रेंट लगता रहेगा मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता रहेगा जो स्टाफ को आप निकालना नहीं चाहते क्योंकि बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेंड स्टाफ है बाद में लगेंगे आपको जब आप शटर ओपन करेंगे उनको निकालना नहीं चाहते तो उनकी सैलरी यानी खर्चे तो चालू ही आपके भले ही आपकी एक्टिविटी बंद है टीचिंग बंद है फिर भी खर्चे चालू है उस कॉस्ट को क्या बुलाएंगे आप डाउन। अब मैंने उसका दूसरा मीनिंग लिखा है अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट ध्यान देना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम बंद कर दिया प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है नो प्रोडक्शन नो सेल्स, सेटर्स आर डाउन फैक्ट्री के जब शटडाउन कर दिया प्रोडक्शन ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे लगेंगी अरे वेरिएबल कॉस्ट तो तभी लगती ना जब प्रोडक्शन होगा तो खर्चा लगेगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी नहीं फिर कौन सी कॉस्ट लगेगी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के दो हिस्से करना यानी शटर डाउन करने के बाद जो कॉस्ट लगने वाली है वो वेरिएबल नहीं लगेगी फिक्स्ड लगेगी बराबर फिक्स्ड कॉस्ट के दो हिस्से होते एक अवॉइडेबल और एक अनअवॉइडेबल यानी शट डाउन करने के बाद तो ऐसा समझो कि आपके पास दस एम्प्लॉय थे उसमें से छह लोगों को आपने निकाल दिया फिक्स सैलरी पे थे वैसे वो कॉस्ट थी लेकिन छह आपने निकाल दिया और बाद में देख लेंगे दूसरे ले लेंगे तो उसकी कॉस्ट आपने बचा ली शटडाउन करने के बाद यानी वो क्या अवॉइडेबल कॉस्ट लेकिन चार एम्प्लॉई आपके बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप निकालना नहीं चाहते उनकी सैलरी अभी भी दे रहे तो वो हो गई अनअवॉइडेबल कुछ समझे फिक्स कॉस्ट के दो हिस्से किए मैंने एक अवॉइडेबल जो बचेगी शटडाउन पर और अनअवॉइडेबल जो नहीं बचेगी शटडाउन होने के बाद भी लगती रहेगी तो शटडाउन होने के बाद कौन सी कॉस्ट लगने वाली है अन अवॉइडेबल फिक्सड कॉस्ट वही तो लिखा है शटडाउन कॉस्ट इज अन अवॉयडेबल फिक्स आपकी दुकान है और आपको रेंट बचाना है शटडाउन करने के बाद आपने छोड़ दी वो जगह किराए की थी छोड़ दी तो वो क्या हो गई अवॉइडेबल आपने सोचा दूसरी जगह ले लेंगे फिर से नई किराए की जगह ले लेंगे तो कॉस्ट बच गई बच गई तो फिर वो शटडाउन कॉस्ट नहीं हुई क्योंकि शटडाउन होने के बाद लगी नहीं बचाई लेकिन आपको वो कॉर्नर की जगह एक मार्केट में छोड़ना नहीं है इंपॉर्टेंट है बाद में मिलेगी नहीं जगह तो आप उसका किराया दे रहे जबकि दुकान का शटर बंद है और किराया चालू है शटर डाउन है और कॉस्ट चल रही है तो वही रेंट क्या हो गया शटडाउन कॉस्ट हो गई क्योंकि वो शटडाउन होने के बाद भी खर्चा लग रहा है क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते हो मौके की जगह है सिंपल है शटर डाउन होने के बाद जो खर्चा लगते रहेगा वो शटडाउन कॉस्ट जनरली इट इज अनबल फिक्स कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट हम डिस्कस कर चुके अरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाला खर्चा जनरली डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवर राइट रॉ मेटेरियल छोड़कर डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस भी है उसमें लेकिन वो ड्रॉप कर दिया तो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरेज टुगेदर एक नाम से बुलाना हो तो कन्वर्जन कॉस्ट ये टर्म लगने वाली है सब इसीलिए पढ़ाई जा रही है ये सब कहीं ना कहीं यूज होने वाला है तब तक याद रहता क्या देखो मैं आपकी टेस्टिंग करूंगा ही वैसे भी नहीं तो मैं तो याद दिलाऊंगा ना मैं तो ही यहां मार्जिनल कॉस्ट पढ़ो एक बार <coughs> बहुत सारे नाम से पढ़ चुके हैं उसको ऑलरेडी हम वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम मार्जिनल कॉस्ट अब आपने से कुछ बोलेंगे कि सर कल टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग बताया था तो मार्जिनल कॉस्टिंग था वो मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर है इट्स अ टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग अलग और मार्जिनल कॉस्ट अलग हाँ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में ये कॉस्ट यूज होती है कौन सी मार्जिनल कॉस्ट लेकिन कॉस्टिंग और कॉस्ट को अलग अलग रखना मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ डिफरेंट टेक्निक यूज फॉर डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्ट इज द नेम गिवन टू वेरिएबल कॉस्ट और ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल से ये भी कल बताया था तो जरा ध्यान रखना हमने कॉस्ट के दो हिस्से किए थे एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट को मैं बुलाऊंगा प्राइम कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को बुलाऊंगा ओवरेज ध्यान रहे प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल ऑलवेज वेरिएबल ओवर के दो हिस्से इस करो इसमें का वेरिएबल ओवर और फिक्स्ड ओवरेज और ये वेरिएबल ओवर में चलेगा वेरिएबल कॉस्ट में तो इन दोनों को ऐड कर दो प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल और वेरिएज में से ले लो वेरिएबल वेरिएबल तो आपको मिल गई वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या बचा फिर ओनली फिक्स ओवरेज फिक्स कॉस्ट इज ओनली फिक्स ओवरेज तो वेरिएबल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट और इज कैलकुलेटेड एज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवर क्लियर इसकी ज्यादा जरूरत मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ने कॉन्सेंट्रेशन लगता है क्या कोई बात नहीं रिक्वेस्ट है फिर से एक्सप्लेन कर दो कर देता हूं लेकिन आपके ये सब्जेक्ट की खासियत समझ में आई क्या ये सब्जेक्ट कितने कंसंट्रेशन से पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है दिमाग में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए सब भूल के दिल दिमाग शरीर एक जगह लगाएंगे तो सब्जेक्ट समझ में आएगा एक बार फिर हमने टोटल कॉस्ट के दो हिस्से किए थे प्राइम कॉस्ट प्लस यानी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल ओवर के दो हिस्से करने पड़ेंगे आपको एक वेरिएबल ओवर एक फिक्स्ड ओवर अब मुझे सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो प्राइम कॉस्ट तो वेरिएबल है ही और ओवरेज में भी कौन से ले रहा हूं वेरिएबल ये देखो यहां लिखा है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरियबल ओवर दोनों मिला के क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट और अब क्या बच गए फिक्स ओवर ओवरेज क्या है फिक्स्ड कॉस्ट अरे ये क्लासिफिकेशन वहां मार्जिनल कॉस्टिंग में लगने वाला है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के हर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग करना पड़ता है तब क्वेश्चन सॉल्व होता है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट अलग फिक्स कॉस्ट अलग तो आपको क्वास्टशीट दी जाएगी क्वास्टशीट में आपको क्या क्या मिलेगी प्राइम कॉस्ट के आइटम मिलेंगे और ओवर के आइटम मिलेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो उसमें से कॉस्टशीट में से तो क्या करना पड़ेगा पूरी प्राइम कॉस्ट ले लो वो वेरिएबल है और जो ओवर दिए थे ओवर के दो हिस्से करो वो भी सीखेंगे कैसे करना वो भी सिखाऊंगा तो ओवरएज में क्या वेरिएबल वेरिएबल एक जगह ले लो फिक्स फिक्सड दूसरी जगह और वेरिएबल ओवरेज किस में एड कर दो प्राइम कॉस्ट में तो क्या हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या बचा सिर्फ फिक्स्ड ओवरेज एनीवे anyway, इससे और मुलाकात होगी आपकी डोंट वरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कम आने वाला आइटम बोला था ना बहुत रेयरली आता वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंस उसको चार्जेबल क्यों बोलते हो डायरेक्टली चार्जेबल है ना आइडेंटिफाइबल है ना प्रोडक्ट के साथ तो तुमको पता है ये खर्चा इसी के लिए लगा है मैंने एक एग्जाम्पल दिया था वो मोबाइल की रॉयल्टी पे कर रहे टू हंड्रेड रुपीज पर हैंडसेट याद आया क्या कल का एग्जाम और तो 200 जब हर मोबाइल पे लगा है तो हर मोबाइल की कॉस्ट पे 200 हंड्रेड डायरेक्टली एड कर दो एड कर दो चार्ज कर दो कॉस्ट कर चार्ज करना है ऐड करना अकाउंटिंग में उसको डेबिट करना बोलते डेबिट करना है डेबिट डेबिट होती जाएगी तो बढ़ती जाएगी तो डेबिट करना ऐड करना कॉस्ट चार्ज करना सबका मतलब एक ही है कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी ना कैलकुलेटर पे करेंगे तो हम बोलेंगे ऐड कर रहे हैं अकाउंटिंग करेंगे तो बोलेंगे डेबिट कर रहे और सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे कॉस्ट चार्ज कर रहे उसकी कॉस्ट निकालना उसको charge cost, तो उसको चार्ज करो कॉस्ट समझे तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बुलाते हैं दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंस इट इज अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर मटेरियल और लेबर कॉस्ट को एक्सपेंस में मत डाल दो तीन अलग अलग कैटेगरी है ना तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर छोड़कर जो डायरेक्ट खर्चा बचता है उसको हम बुलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस इट इज डायरेक्टली चार्जेबल टू दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको लगेंगे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगेंगे एक हाथ क्वेश्चन में पूछते कि इसमें से डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से बताओ तो बाकी सबको हटाना पड़ेगा आपको डायरेक्ट मटेरियल हटाओ डायरेक्ट लेबर हटाओ और ओवर एड सब हटा दो क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए इनडायरेक्ट नहीं चाहिए इनडायरेक्ट यानी ओवर एड वो सब हटा दो तो लिस्ट में से आपको सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस चुनने पड़ेंगे तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिस्ट हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीनरी और अ प्लांट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑर्डर और जॉब यानी आपको कोई काम मिला है कस्टमर का और उस काम के लिए आप मशीन किराए पे लाए हो सिर्फ वो काम करने के लिए जैसे ये डेस्क बेंच बनाने का मुझे काम मिला अब ये डेस्क बेंच में ये जो आपके स्टील की जो शीट्स हैं और बार्स हैं उसको कट करके उसको वेल्ड करना पड़ता है ना वो फ्रेम जो बनी है ना स्टील की फ्रेम और फिर वो प्लाईवुड लगे लगाए तो उसको वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग मशीन लगेगी समझो मेरे पास वेल्डिंग मशीन नहीं है ऐसा समझो और ये पचास डेज बेंच का ऑर्डर मिला ये डेज बेंच का ऑर्डर मिला मिलाने क्या मिला जॉब जॉब ऑर्डर कस्टमर से ऑर्डर मिली जॉब ऑर्डर उसके उसके ऑर्डर के हिसाब से वो जॉब कंप्लीट करके देना है ध्यान में तो ये वेल्डिंग मशीन में किराए पे लाया चार दिन के लिए उसका चार हजार रुपये किराया दिया ये चार हजार रुपये किराया सिर्फ इस जॉब के लिए दिया हाँ अब ये जो किराया दिया मैंने मशीन का मशीन किराए पे लाया ना हायर की सिर्फ इस काम के लिए तो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है अब ये ना तो मटेरियल कॉस्ट है ना लेबर कॉस्ट है और ये डायरेक्टली चार्जेबल टू जॉब है तो क्या हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस ना दोस्तों देखो क्या लिखा है फिर से पढ़ लेता है उस प्रोडक्शन के लिए उस जॉब के लिए सबका मीनिंग पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस इसका एग्जांपल तो ऑलरेडी दे चुका है रॉयल्टी प्रोडक्शन के बेसिस पे आप दे रहे हो मोबाइल की जो बताई कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड डिजाइन ड्राइंग्स, पैटर्न्स, जैसे ये डेस्क बेंच का मैंने किसी से डिजाइन बनवा के लिया सिर्फ इस ऑर्डर के लिए डिजाइनर रहते हैं ना प्रोडक्ट डिजाइनर आजकल सब चीज़ का डिज़ाइन बनता है ना वो मेरे पास नहीं है वो कलाकार जिसको डिजाइन बनाते आए तो किसी को पैसे दे के थाउजेंड रुपीज दे उससे डिजाइन बनवा के लिया और उस डिजाइन से यही जॉब का ऑर्डर काम होने वाला है क्योंकि वो इस जॉब के लिए बनाया हुआ डिज़ाइन है या इस जॉब के लिए सिर्फ एक मोल्ड बनाना पड़ा सिर्फ इसके यानी वो दो मोल्ड दूसरे के काम में है? नहीं है पूरा खर्चा इसी के काम के है कोई पैटर्न बनाया कोई मोल्ड बनाया कोई डिजाइन बनाई कोई ड्राइंग बनाई इसी काम के लिए तो पूरा खर्चा उसी को उसी जॉब को चार्ज करो तो ये हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस एग्जाम्पल सिर्फ ऐसे फिर ढूंढने पड़ेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट बिफोर अंडरटेकिंग द कंसर्न जॉब इसको मैंने थोड़ी देर पहले प्री प्रोडक्शन कॉस्ट बोला था आपको सिर्फ उस जॉब को करके देखने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए उस जॉब के लिए सिर्फ वो खर्चा लगाए तो पूरा खर्चा उसी जॉब को चार्ज होगा एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट ओनली फॉर दैट जॉब हा तो वो भी खर्चा उसमें ऐड हो जाएगा यानी डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत जगह पर लगते हैं और वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी काम के लिए है यानी उस सॉफ्टवेयर से ढेर सारे काम कर रहे वो वाला नहीं होना सॉफ्टवेयर जैसे आपकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है वो उससे ढेर सारे काम करते हैं आप वो नहीं बोल रहा हूं मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उस काम के लिए है अभी अपनी बात जो है लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो लाइव स्ट्रीमिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल किया गया और उसके चार्जेस देने पड़ रहे हैं उसके अलग से चार्जेस है वो स्ट्रीमिंग करने के लिए स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज डिफरेंट यदि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करना पड़ता तो मुझे वो कॉस्ट नहीं लगती आपको सिर्फ ऐसे सामने आमने पढ़ाना हो तो स्ट्रीमिंग नहीं करनी पड़ती तो लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ इस बैच के काम का है वो और दूसरे काम का नहीं और उसके चार्जेस देने पड़ेंगे जितने दिन यूज करेंगे उसके तो वो खर्चा पूरा इसी बैच को चार्ज होगा ना दोस्तों क्योंकि वो जरूरत होगी तो यूज करना है नहीं जरूरत हो रही तो नहीं यूज करना है और जितना यूज करेंगे उतना ही चार्ज लगता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के चार्ज जो उसी काम के लिए लगा है सिर्फ तो आइडेंटिफाइबल सॉफ्टवेयर का खर्चा और ये काम एक दूसरे से क्या हो रहा है खर्चा और कॉस्ट ऑब्जेक्ट को रिलेट हो रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस और सॉफ्टवेयर का खर्चा मटेरियल कॉस्ट तो बोल नहीं सकता लेबर कॉस्ट तो बोल नहीं सकता अदर देन डायरेक्ट मटेरियल अदर देन डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड्स भी छोड़ दो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी छोड़ दो सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस और आउटसाइड वर्क कॉस्ट वेयर जॉब्स आर सेंट आउट फॉर स्पेशल प्रोसेसिंग और जॉब वर्क चार्जेस कल दिया था एग्जाम्पल पढ़ो पहले एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं कल का एग्जाम्पल मोबाइल हैंडसेट का था कुछ याद आया अरे वो मोबाइल के कंपोनेंट पार्ट्स मैं बनाऊंगा उसको असेंबल और पैकिंग करने के लिए बाहर की एजेंसी को नहीं दिया था चार सौ रुपये में कि तुम पैकिंग करो असेंबली पैकिंग करके लेबलिंग लगा के दो आउटसोर्सिंग किया था आउटसोर्सिंग कोई जॉब वर्क चार्जेस भी बोलते हैं जॉब वर्क चार्जेस आउटसोर्सिंग चार्जेस आपका काम दूसरे से करवा के लिए आपने तो दूसरे को जो पैसा दिया इसी काम का काम करने का आउटसोर्सिंग चार्जेस जॉब वर्क चार्जेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी बोलते हैं यानी मेन काम मुझे मिला मैंने वो किसी उसमें का थोड़ा काम दूसरे को दिया उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के करने वाले जो काम करने वाले लोग रहते हैं ना उनको बड़ा काम मिला समझो उनको ट्वेंटी फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है वो बड़ा बिल्डर जो रहता है ना मेन कॉन्ट्रैक्टर वो छोटे छोटे काम दूसरे दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर को देता है प्लम्बिंग वाले को प्लम्बिंग का काम तूने प्लमिंग करके देना यानी तू लगा मटेरियल तेरा तू लगा लेबर पैसे बोल कितने ये सब सब काम आउटसोर्स किया जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते यानी मेरे काम में से एक काम प्लम्बिंग का एक को दे दिया टाइल्स का एक को दे दिया पेंटिंग का तीसरे को दे दिया तो ये सब खर्चा नहीं लगा मुझे इसी बिल्डिंग के लिए मेरा मटेरियल नहीं लगा उसमें मेरा लेबर नहीं लगा तुम्हारा लगा मैंने तो तुमको पैसे दिए तो ये एक्सपेंस में आते डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग आउटसोर्सिंग जॉब वर्क चार्जेस करने आगे अपने को आगे। एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है कॉस्ट प्राइस और वैल्यू लेकिन मैं इसको ऐसा जल्दबाजी में नहीं निपटाना चाहता क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसमें फर्क देखना है कॉस्ट प्राइस और वैल्यू में और मेरे ख्याल से वैसे भी चार पांच मिनट ही बचे हैं राइट right? दोस्तों मैं कभी कभी पांच पांच मिनट पहले छोड़ रहा हूं ना किसी दिन पांच मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकता है तो कॉपरेट भी करना है क्यों क्योंकि मैं कोई मैटर पर हुआ मैटर खत्म नहीं हुआ तो अधूरे में नहीं छोड़ सकते तो मैटर को कंप्लीट करेंगे या वो क्वेश्चन है थोड़ा सा रह गया है, तो उसको कंप्लीट करेंगे तो कभी दो पांच मिनट ज्यादा भी लग सकते हैं कभी बच भी सकते हैं मैं इसको अभी क्यों नहीं ले रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे डिटेल में डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चार पांच मिनट में होगी नहीं कोई बात नहीं आज के लिए इतना काफी है कल यहां से आगे चलेंगे सी यू टुमारो माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू